हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है और साथ ही स्वागत है UPT 365 की सीरीज चल रही है। उसमें इसमें हमारा एनवायरनमेंट का मोस्ट ऑफ द टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं कुछ, क्योंकि एनवायरनमेंट में बेसिकली तीन टॉपिक आते हैं दोस्तों। एनवायरनमेंट पर बेसिक की बात करें तो एक आता है आपका क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, और दूसरा आता है आपका बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा आता है आपका पॉल्यूशन। और ये तीनों हमने एनवायरनमेंट के टॉपिक से वो करंट में कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा अदर जो टॉपिक, जो कि हमारे लिए नॉर्मली अगर हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी के जो पार्ट है, वो बेसिक जिसे हम विविध का पार्ट देख रहे हैं, मिसलेनियस वाला पार्ट है उसको नहीं देखते हैं। उसमें एक टॉपिक है सतत विकास। ऑलरेडी दोस्तों आप सभी जानते हैं सतत विकास, जो ब्रुटलैंड कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसके बाद ये सिस्टम आया था कि विकास है वो सतत होना चाहिए। और सतत विकास का मतलब है कि आप विकास करते टाइम जो तो संसाधन है उनका प्रयोग इस तरीके से करो कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे, भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे, अर्थात आपका पर्यावरण और विकास दोनों पूरक है, ना कि एक दूसरे के विरोधाभासी। यानी कि विकास अगर आप इस तरीके से करो कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, तो वही विकास आपका सतत विकास कहलाए। सतत विकास के बारे में बहुत ज्यादा बातें चली, बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2015 में सतत विकास के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, जिसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए, अलग अलग टाइप के लक्ष्य। अब उन 17 लक्ष्य जो सतत विकास से थे, उनकी पूरी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक रिपोर्ट जारी होती है, उसी रिपोर्ट का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको इस रिपोर्ट में दो चार चीजें देखनी है। हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जारी हुई है, तो एक तो इसका जारीकर्ता का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, जारीकर्ता कौन है। तो इसका जारीकर्ता है, आप सभी जानते हैं, सतत विकास समाधान नेटवर्क, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब हम इस नेटवर्क को अच्छी तरीके से देखेंगे, लेकिन एक्चुअली में हम देखेंगे कि एक तो इसमें जारी करता कौन है। आपको दो चार चीजें हैं वो ध्यान रखनी है, बाकी चीजें छोड़ते हो जाने। इसको जारी करने वाली संस्था यह है। इसमें भारत की स्थिति अगर देखें तो 163 देशों में 121वीं रही है, भारत की स्थिति इसमें रही है। अगर इस रिपोर्ट के बारे में, ऑब्वियसली रिपोर्ट क्या कहती है, ये रिपोर्ट एक तरह से सतत विकास से संबंधित प्रत्येक देश की स्थिति के बारे में आपको बताते हैं कि इस देश ने सतत विकास के इन 17 लक्ष्यों में क्या क्या किया है, उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट बताती है। और ये लगभग 163 कंट्रीज की रिपोर्ट है, उसके बारे में आपको बताती है, बस इतना ध्यान रखना। इस रिपोर्ट की अगर हम देखें बेसिकली कि रिपोर्ट किस तरीके से देखें, 2022 की इस रिपोर्ट को देखें, 2022 की रिपोर्ट में बोला गया कि SDG के लक्ष्यों की प्राप्ति अच्छे से नहीं हो पाई। आप सभी जानते हैं पिछले 2 वर्षों में क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि एक साल तो आपका, पूरे 2 साल आपके COVID-19 में निकल गए। तो COVID-19 ने तो आपके SDG के कई टारगेटों को डाउन कर दिया, जैसे गरीबी, भुखमरी, इन टारगेटों को बहुत खराब स्थिति में, हेल्थ की स्थिति, जो आपके टारगेट है जैसे SDG 1 गरीबी संबंधित है, SDG 2 भुखमरी संबंधित है, SDG 3 स्वास्थ्य संबंधित है, SDG 4 शिक्षा से, ये चारों के चारों टारगेट COVID-19 ने बुरी तरीके से प्रभावित रहे। तो ऑब्वियसली जब सभी देशों में ये प्रभावित रहे, तो डेफिनेटली है कि इनकी जो स्थिति है वो हमारे SDG में डाउन होगी। तो जो प्रोग्रेसिव थी कि हम 2030 तक इन टारगेटों को प्राप्त करें, उसमें पिछले 2 साल अच्छी प्रोग्रेस नहीं हो पाई, जिसका कारण आप सभी जानते हैं। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट, ये भी कहीं ना कहीं बड़ी समस्या बन के आया, क्योंकि इसने खाद्य सुरक्षा को इफेक्ट किया, और खाद्य सुरक्षा की वजह से आपकी ये SDG 2 बुरी तरह इफेक्ट। तो इसके क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं नॉर्मली, तो बेसिकली इसलिए आपको उसको ध्यान रखना कि एक पॉइंट तो क्यों लक्ष्य, तो कंक्लूजन आपसे पूछा जाता है रिपोर्ट। रिपोर्ट्स पढ़ते टाइम आपको दो तीन चीज ध्यान रखना है, रिपोर्ट्स को जारी करता कौन है, उसमें भारत की स्थिति क्या है, और उस रिपोर्ट के कंक्लूजन क्या है क्या है, ठीक है ना, और कई आधार पर उस रिपोर्ट का मापक क्या है उस आधार पर। दूसरा, इस रिपोर्ट में एक अच्छी सी बात है, इंटरनेशनल फ्लाई ओवर इंडेक्स, ये मैं बताऊंगा, स्पिल ओवर इंडेक्स बोलते हैं, स्पिल वो गलत शब्द होगा, स्पिल ओवर इंडेक्स। स्पिल ओवर इंडेक्स बेसिकली आपको बताएगा कि स्पिल ओवर इफेक्ट के बारे में बताएगा। तो ऑब्वियसली इसने बोला है कि संपन्न देश विशेष रूप से असंधारणीय खपत के माध्यम से नकार, यानी कि स्पिल ओवर इफेक्ट है उसका मतलब समझो, ये आपसे प्रीमियम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ एक तो आपको जो आपको ध्यान रखने वाली चीजें वो नोट डाउन करनी है, एक तो इसमें स्थिति क्या रही, दूसरी इसमें स्थिति है कि स्विफ्ट आवर इफेक्ट क्या होता है। स्विफ्ट आवर इफेक्ट का मतलब है जैसे एक देश की इकोनॉमी,
उसका कोई प्रभाव पड़ता है तो दूसरे देश की इकोनॉमी पे उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लें यूएसए की इकोनॉमी खराब होती है तो उसका प्रभाव इंडियन इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो यही हुआ है कोविड-19 में। कोविड-19 में चाइना में फैला हुआ कोविड-19 ने दुनिया की कोविड-19 फैला दिया। दूसरा, रूस यूक्रेन में होने वाला डिस्पोट है उसने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि रूस यूक्रेन की वजह से एक खास तरीके से संकट आई। इससे अफ्रीकन देशों को जो गेहूँ रशिया यूक्रेन से पहुँचता था, खाद्यान्न तेल जो पहुँचता था, वो इफेक्ट हुआ और इसकी वजह से उनके SDG टारगेट भी इफेक्ट हुए। तो स्विफ्ट ओवर इफेक्ट बताता है कि किसी एक देश की इकोनॉमी में होने वाली इंसिडेंट दूसरे देश की इकोनॉमी को पूरी तरह प्रभावित करती है, उसको बताता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से उसके इफेक्ट है उसको बताता है। इस रिपोर्ट ने बताया कि उसका इफेक्ट पड़ा है कोविड-19 की वजह से। इसलिए रिपोर्ट ने यह बोला कि मेन बात यह है कि इस रिपोर्ट में अगर आपको SDG के टारगेटों को प्राप्त करना है तो विश्व को दो चीज़ों पर हमेशा फॉलो करना होगा। एक तो आपको शांति बनाए रखनी पड़ेगी, अगर आप युद्धों में उलझे रहे तो कभी भी आप SDG के टारगेट प्राप्त नहीं कर पाओगे। दूसरा, आप कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करोगे, क्योंकि एक देश दूसरे देश को सहयोग करेगा तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग की सहायता करेंगे, उस तरीके से काम करेंगे। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है इस रिपोर्ट की कौन जारी करता है, इस रिपोर्ट का मेन इंडेक्स क्या। इसके अलावा आपको जो संस्था जो जारी करती है उसका नाम एक बार उसके बारे में थोड़ा जरूर रखें, क्योंकि कई बार UPSC की एक ट्रेंड होता है कि कम से कम स्टेटमेंट में कि उस संस्था के बारे में आपसे जानकारी पूछ भी सकता है। तो SDGN नेटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट नेटवर्क रहा, हालांकि ये पुराना है, 2012 के समथिंग इसको स्थापित किया गया था। तो SDGN नेटवर्क की अगर मैं बात, तो इसको मुख्य रूप से 2012 में हमारे जो पूर्व महासचिव थे उसके द्वारा सहयोग से इसको स्थापित किया। उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो आप SDG के टारगेट डिसाइड करोगे, इन SDG के टारगेटों को एक तो व्यवहारिक रूप से लागू करवाना वैश्विक लेवल पर, दूसरा इसकी मॉनिटरिंग करना वैश्विक लेवल पर, और तीसरा इस पे आपस में सहयोग करने के लिए एक स्वतंत्र वैज्ञानिक समूह के रूप में काम करेंगे, एक स्वतंत्र समूह के रूप में काम करेंगे, ठीक है ना। आपका SDGN एक्चुअली में काम करता है NGO की तरह, एक NGO की तरह काम करेगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य शिक्षा, अनुसंधान, नीति विश्लेषण और वैश्विक सहयोग, यानी कि SDG से जुड़े हुए और पेरिस परिवर्तन यानी पेरिस समझौते से जुड़े हुए जो भी एग्रीमेंट्स हैं उन एग्रीमेंटों पे किसी प्रकार की कोई किसी को एजुकेशन, किसी को ट्रेनिंग, किसी का रिसर्च, उस पर यह सहयोग करेगा, उस पर ध्यान है। इसमें 144 देश में 50 नेटवर्क्स, 144 देशों में 50 नेटवर्क्स हैं, उसमें 1700 अधिक लोग हैं, उनके अलग अलग रिसर्चर हैं, अलग अलग वैज्ञानिक हैं, वो इसमें काम करते हैं। इसके बारे में एक चीज़ और है कि यह संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ बहुपक्षीय वित्त पोषण निजी क्षेत्र सभी के साथ मिलकर काम करते हैं, UNO के साथ भी मिलता है। ये बहुपक्षीय जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट, उन सभी के साथ मिलता है, निजी सेक्टर यानी कंपनियों के साथ और NGOs के साथ ये मिलता है, उनके साथ मिलकर के काम करता है। वर्ष 2019 में SDSN ने एक 6 ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क स्थापित किया। ध्यान रखना थोड़ा सा, UPSC पिछला क्वेश्चन उठा लेते कई बार कि 6 ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क किसने जारी, तो वो किया आपके SDSN, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि SDG के टारगेटों को प्राप्त करने के लिए एक साथ एकीकृत होकर के बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके अलावा SDSN एसोसिएशन एक अमेरिका में भी है और ये हर देशों में एसोसिएशन होता है इसका, मतलब ज़्यादातर देशों ने इसको एसोसिएशन के रूप में स्वीकार कर रखा है, तो उसमें भी ये सहयोग करता है। तो ये बेसिकली आपको इसमें ध्यान रखना था कि SDSN है क्या। फिर ये क्वेश्चन आपके देश के लिए यहीं चाहिए, एक बार आप यानी 17 टारगेटों में भारत की स्थिति देख लो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट। मैं आपको बता देता हूँ, जो ये रिपोर्ट आई थी SDGSN की, यानी कि जो SDG की रिपोर्ट आई जिसको जारी किया, उसमें इसने भारत के 17 टारगेटों का मूल्यांकन किया कि भारत की क्या परफॉर्मेंस है। तो बेसिकली आप 17 टारगेटों के बारे में एग्जैक्टली इतना पता होना चाहिए कि SDG के 17 टारगेट है क्या। पहली चीज ये आपको पक्का याद करना है और पता भी होना चाहिए कि SDG के 17 टारगेट क्या है। ये आपके हर जगह काम आएंगे, आपके मेंस में काम आएंगे, आपके प्री में काम आएंगे। SDG के 17 टारगेट, जैसे पहला लक्ष्य है SDG 1 जिसे बोलते हैं गरीबी की समाप्ति करनी हमें, दूसरा भुखमरी की समाप्ति करनी है, तीसरा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करवानी है, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठा है स्वच्छ स्वच्छता यानी कि जल की बात, और सातवा है आपका इलेक्ट्रिसिटी, आठवा है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नौवा है आपका इंडस्ट्री नवाचार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दसवां है आपका असमानता को कम करना, ग्यारहवां है आपका सस्टेनेबल अर्बन सिटी, बारहवां है आपका एक तरह से कि
जो भी हमारी जिम्मेदारी है या जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, उपभोग करते हैं, उनका रिसाइकलिंग अच्छे कर सकें, तो उपभोग और उत्पादों संबंध है। 13वां आपका जलवायु परिवर्तन से संबंध है। SDG 14 आपके जलीय जीवों की सुरक्षा संबंध है। SDG 15 आपके स्थलीय जीवों से संबंध है। SDG 16 आपके सुशासन से संबंध है। और SDG 17 है कि सभी टारगेटों को 16 टारगेट प्राप्त करने के लिए आपके पास लक्ष्य होना चाहिए, इनमें सहयोग होना चाहिए। अब देखो कोई बड़ी बात नहीं है, इनसे आप एक बार गोत्र हुए आपको याद है, ये चीज़ें आपको हर जगह काम आती है। लेकिन हमारे लिए प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्री में ये तो पूछे करेंगे SDG 17 क्या है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत रेयर होंगे जो पूछे जाएंगे। UPSC जैसे क्वेश्चन पूछे करेंगे SDG 1 क्या है, ये तो आपको याद होना चाहिए कि SDG एक्चुअली 1 है क्या। इसमें पूछेगा आपसे क्वेश्चन जो प्री के क्वेश्चन होंगे, होगा ये जो रिपोर्ट आई है इसमें भारत की स्थिति किस SDG के अंतर्गत बढ़ी है, किसके अंदर खराब है। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी, एक तो SDG 12 और SDG 13, इनको भारत ने अच्छी परफॉर्मेंस किया। SDG 12 और 13 में भारत की परफॉर्मेंस एक तरह से कहे कि टारगेट भारत ने अचीव कर लिया, गॉट कर लिया इनको। दूसरी बात, सबसे खराब परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ भारत की जो इसमें रही है, वो है आपकी एक तो SDG 11, इसमें भारत की स्थिति डाउन हुई है कोविड में बड़ी तरह से, ठीक है। एक आपको ये ध्यान रखना है SDG 11 में हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही। बाकी SDG 1, SDG 6, SDG 7, इनमें थोड़ी सी हमारी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुई है, तो इसी के बारे में आपसे चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना। यही बात इसमें लिखी हुई है पूरी जो मैंने आपको ऊपर बताया, इसको एक बार देखेंगे। अगला है, ये बात सही है कि भारत की लगातार तीसरे वर्ष गिरावट हुई है, 2020 से लेकर के लगातार भारत की गिरावट हुई है। 2020 में 117, 2021 में 120 और 2022 में आपका 121, तो लगातार 3 वर्षों से भारत की SDG में गिरावट हुई। वैश्विक लेवल पर 2002 साल में अच्छी नहीं देखी, लेकिन भारत में लगातार 2-3 वर्षों से। इसके अलावा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, एक्चुअली में क्या है कि भारत और UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, यानी कि ये फ्रेमवर्क संयुक्त राष्ट्र की 26 एजेंसियों के साथ में मिलकर के भारत ने किया है, जो भारत को SDG के टारगेटों को प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। ये 4-2030 तक जो एजेंडा है उनमें 4 P के आधार पर काम करेंगे। 4 P बोलते हैं इनको, पीपुल्स, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट एंड पार्टनर्स। यानी कि भारतीय जो 17 26 इंस्टीट्यूट होंगी वो भारत की 4 इन प्रायोरिटियों पर फोकस करेंगी, जिसके 6 रिजल्ट आएंगे। पर्यावरण, स्वास्थ्य, छठा पोषण, दूसरा पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक विकास या और यह है एक वास आपका और एक है आपका जल, लोगों के समुदाय शासन। यानी कि ये जो कोऑपरेशन है भारत विश्व के विभिन्न देशों के साथ मिलकर करेगा और इसमें विभिन्न इंस्टीट्यूटों के साथ मिलकर करेगा, इसमें भारत है 4 स्तंभों पर काम करेगा जिसके 6 रिजल्ट होने चाहिए उस पर है। पहले 2018 से 22 तक था, इसको बढ़ा करके 2023 से 27 तक के कर दिया। बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जान लेना है कि भारत ने इसको कर रखा। अगला हमारा टॉपिक है सतत विकास समेकित दृष्टिकोण प्रायोगिक परियोजना, यानी सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड अप्रोच, सतत शहर की बात चल रही है। अब आपके पास एक ये इन्फॉर्मेशन होती है सतत सस्टेनेबल सिटीज क्या होती है। सस्टेनेबल सिटीज का मतलब है कि सिटीज में इस तरीके से प्लानिंग हो कि वो इकोसिस्टम के अनुरूप हो, वो उस तरीके से डेवलप हो कि वो इकोसिस्टम के प्रभाव को देख झूल सकें और अकॉर्डिंग टू इकोसिस्टम हो, चाहे उसका वहाँ बिल्डिंग्स बना रहे हो, इंफ्रा को डेवलप कर रहे हो, अर्बन को डेवलप कर रहे हो, जनसंख्या को बढ़ा रहे हो, हेल्थ को बढ़ा, जो भी चीज़ बढ़ा रहे हो अकॉर्डिंग टू इको फ्रेंडली होनी चाहिए। उसी पर धीरे धीरे चीज़ें फोकस की हुई। तो एक कि सतत विकास समय के दृष्टिकोण को लेकर के कि हमें एक सस्टेनेबल अर्न सॉरी सतत अर्बन को लेकर के, तो एक पायलट लेवल पर लॉन्च किया है जयपुर विकास प्राधिकरण और ग्रेटर जयपुर ग्रेटर नगर निगम के सहयोग से, और UN हैबिटेट ने इसको इसका सहयोग दिया है। इस परियोजना के बारे में देखें, एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसका कार्यान्वयन भारत का शहरी एवं का आवासीय कार्य मंत्रालय ने UN जो हैबिटेट है उसके साथ मिलकर के काम किया है, और इसमें इसको फंडिंग है वो आपके GEF दे रही है। 5 शहरों में ये पायलट लेवल पर किया जा रहा है, आपके जयपुर, भोपाल, विजयवाड़ा, गुंटूर और मैसूर में। उद्देश्य वही है सर कि अर्बन का डेवलपमेंट हम किस तरीके से करें कि वहाँ पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई जाए, जिससे वो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, जिसमें ग्रीन हाउस गैस कम एमिशन हो, जैसे सेवा जहाँ जो भी पब्लिक है उनको इस तरीके से प्रोवाइड किया कि लोगों को अच्छी तरीके से गुड गवर्नेंस हो, रूल बेस्ड शासन हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सारी चीज़ें हो, वो आपका एक इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल अप्रोच होगी किसके लिए, अर्बन के लिए। बेसिकली सारी चीज़ें इसमें वही चीज़ें फोकस की जाएगी, और इस परियोजना में यह है कि बेस्ट
प्रैक्टिशनर्स के साथ मिलकर के डिसीजन लिया जाएगा। हो सकता है कई शहरों ने अच्छा डेवलप किया हो, उस मामले में उनके साथ मिलकर के कुछ चीज़ें सीखी जाएंगी, उनका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बस इतना ही, एक बार इसको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवास कार्यक्रम, यूएन हैबिटेट कार्यक्रम बोलते हैं इसको। इसका मुख्यालय अगर बात करें, संस्था है एक तरह से, इस संस्था का नाम है, ये मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, आप सभी जानते हैं। केन्या को सर्च कीजिए, ये अफ्रीका के मध्य निगम पड़ेगी। एक्चुअली में उसकी उत्पत्ति देखें तो मानव अधिवास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्पेशल एजेंसी के रूप में काम करती है, और ये यूएन महासभा के द्वारा इसको अधिशेषित किया जाता है, मतलब ये उसके द्वारा इसको एक तरह से इस पर रूल नॉट मैंडेट किया जाता है, अधिदेशित किया जाता है इसका। इसमें उद्देश्य ये ऑब्वियसली कि जो शहर है उनको सामाजिक और पर्यावरणीय अनुकूल बनाओ। सामाजिक मतलब रूल होना चाहिए, महिलाओं की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था, स्वच्छ जल होना चाहिए, ये सारी। पर्यावरण मतलब वहाँ पर ग्रीनरी होनी चाहिए, वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस कम होनी चाहिए। तो शहरों को इस तरीके से डेवलप किया जाए जो पूरी तरह प्लानिंग हो और वो सस्टेनेबल। यूएन हैबिटेट के द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट जारी की जाती है, आपको जरूर पता होना चाहिए। ये यूएन हैबिटेट की अगर मैं बात करूं, इसके द्वारा एक तो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज, द स्टेटस यानी कि वर्ल्ड सिटीज के स्टेटस को जारी किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड अर्बन, ध्यान रखना, SDG को टारगेट किया जाता है SDSN के द्वारा, लेकिन SDG एंड अर्बन को जारी किया जाता है इसके द्वारा। इसके अलावा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द ह्यूमन सेटलमेंट, इसके अलावा लोकल बॉडीज, द फ्यूचर ऑफ विवान, और एक है न्यू अर्बन एजेंडा। ये 5-6 रिपोर्ट है, आपको ध्यान होना चाहिए। बेसिकली ये रिपोर्ट सारी अर्बन हैबिटेट से जुड़ी हुई है, अर्बन से जुड़ी हुई है, अर्बन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, इसलिए इनको यूएन हैबिटेट के द्वारा जारी किया जाता है। ये आपको एक स्पेशली ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, कोई कुछ रिपोर्ट का क्वेश्चन आ जाए तो। थोड़ा सा अदर इनिशिएटिव देखें स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंध, एक 11वां वर्ल्ड अर्बन फोरम। तो वर्ल्ड अर्बन फोरम की अगर मैं बात करूँ तो इसका आयोजन 11वां कहाँ पर हुआ है, पोलैंड में हुआ है, और इसको आयोजन करने वाली संस्था कौन है, यूएन हैबिटेट के द्वारा ही इसको किया जा रहा है। ये 2001 से किया जा रहा था। उद्देश्य सेम ही होगा कि शहरीकरण में आप ऐसा डेवलप करो ताकि वो समुदाय, शहर, अर्थव्यवस्था, जलवायु के अकॉर्डिंग हो। उसके परीक्षण के लिए हर बार ये होता है कि क्या हमें क्या क्या चीज़ें हमने की है, उस कार्बन डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ा है, उसको चेक करता है। पहला इसका केन्या में हुआ था, है ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं केन्या में यूएन हैबिटेट की संस्था का एक तरह से क्या है, उसका मुख्यालय है। और 11वें में जो हुआ है पोलैंड में, इसमें कई संस्थाओं के द्वारा इसको करवाया गया। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आदि ने शहरी प्रकृति आधार समाधान के, ध्यान रखना, एक राष्ट्रीय गठबंधन प्लेटफॉर्म भी इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है। भारत में पहला एक नेशनल अलायंस प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो भारत में अर्बन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस करेगा। इसमें कई संस्थाएं मिलकर काम करेंगी, जिसमें एक है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये एक इंस्टीट्यूट है जो अर्बन अफेयर्स पर काम करती है। क्लाइमेट सेंटर सिटीज है, वो इस पर काम करेगी। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो भारत में काम करती है। सारे तीन, ध्यान रखना, ये तीनों ने मिलकर के भारत के लिए राष्ट्रीय गठबंधन प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया है इस 11वां वर्ल्ड अर्बन फोरम। ये आपके लिए एक तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरा, ये गृह बहुत पुरानी है, ये ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट करती है कि हरित भवनों के लिए कि एक भवन ग्रीन हैबिटेट क्या होगा, एक ग्रीन बिल्डिंग क्या होगी, उसकी रेटिंग करती है। तो हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI मुख्यालय ने गृह अनुकरण प्रदर्शन में, यानी कि UIDAI की जो बिल्डिंग है नई दिल्ली में, ऑब्वियसली उसने गृह में यानी कि इसकी रेटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसलिए उसको 2022 का एक पुरस्कार मिला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की, अनुकरणीय मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। अब गृह क्या है, गृह क्या है, एक निजी संस्थान टेरी के द्वारा विकसित की गई एक रेटिंग है। क्या है, रेटिंग है जो कौन जारी करती है, टेरी क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है भारत की, जो एनर्जी के लेवल पे काम कर रही है, एनर्जी के, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी के लेवल पे काम करती है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये रेटिंग होती है कि कोई बिल्डिंग है तो कितनी इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली मतलब है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम से कम कंजम्पशन हो, उसमें दीवारें ऐसी हो कि वो नेचुरल हवा को ज़्यादा यूज कर सके, नेचुरल तापमान को यूज कर सके, जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम कर सकती है, है ना, जो वो सारे स्टैंडर्ड इसने दिए हैं उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हो, उसे ग्रीन बिल्डिंग के रूप में कहा जाता है। भारत में गृह, आप सभी जानते हैं भारत ने अपने इंटीग्रेटेड, जो इंटीग्रेटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है जो पेरिस कन्वेंशन के अंदर डिसाइड किया था, उसमें गृह को
भी भारत ने यूएनएफसीसी के समक्ष प्रेजेंट किया कि हमने एक ग्रह नाम से रेटिंग डेवलप की है जो ग्रीन बिल्डिंग पर ध्यान रखती है। तो ग्रह एक तरह से रेटिंग है इंटीग्रेटेड, उसका असेसमेंट करते हैं। इसके बाद एक है आपकी सेटाइस बोल सकते हैं, सेटीज टाइप में है, इन्वेस्टमेंट टू द इनोवेशन इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल कार्यक्रम। ये एक कार्यक्रम है जो उसके नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करेगा ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली सिटीज के। तो हाल ही में राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इंस्टीट्यूट है, उसमें इसका कार्यक्रम हुआ जिसके अंतर्गत फोटोग्राफी एग्जीबिशन लगा और एग्जीबिशन का सूरा फ्यूचर, सिटीज इन फ्यूचर। इसको पूरा अगर मैं बात करूँ, सिटीज कार्यक्रम को एजेंसी है वो मिलकर के काम कर रही है, भारत का शहरी कार्य मंत्रालय, फ्रांसीसी विकास एजेंसी, यूरोपीय संघ और NIUA। NIUA मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स। ये चारों के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और घरेलू स्तर पर बहुत बढ़िया तकनीकी सहायता प्रोवाइड करवाना, ताकि आप क्या, इसमें तकनीकी सहायता और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ताकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिल सके। ठीक है, उस कार्यक्रम को यह है बेसिकली कि कौन कौन इसको देख रहा है, क्या क्या हुआ है इसमें, ये आपको एक बार देख लेना बस। ये क्वेश्चन बस इसमें से बनेगा कौन है और कौन कौन इसमें, ज़्यादा डीपली आप घबराना नहीं है, आपको चीज़ें नज़र में रखनी है और हर लाइन को याद करने की कोशिश मत करना, जितना याद हो सके उसी को करना है, लेकिन जो चीज़ आपको बोली जा रही है कम से कम उस पॉइंट को जरूर याद रखना, तरीके क्वेश्चन उसी तरीके का। अगला है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, भारत के पहले सॉवरन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा। इसमें आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सॉवरन ग्रीन बॉन्ड क्या है, बस ये आपको अच्छे से पता है, आपका क्वेश्चन हो गया बस, ये रूपरेखा वगैरह आपसे यही पूछी जाती थी। ठीक है, तो आपको एक तो होता है ग्रीन बॉन्ड और एक होता है सॉवरन ग्रीन बॉन्ड, सॉवरन ग्रीन बॉन्ड। अब दोनों में अंतर है, ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड जिसको आप इशू करके इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आप अर्जित करते हो, उस पैसे को आप ग्रीनरी में डेवलप करते हो, इको फ्रेंडली चीज में इन्वेस्ट करते हो, यानी कि जलवायु संबंधी पर्यावरणीय समर्थन के लिए जो पैसा आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हो बॉन्ड इशू करके, वो बॉन्ड होता है आपका ग्रीन। लेकिन जब इस ग्रीन बॉन्ड को सरकार के द्वारा इशू किया जाता है तो उसको बोलते हैं सॉवरन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरन ग्रीन बॉन्ड ऑब्वियसली गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसलिए सॉवरन होते हैं, गवर्नमेंट की एक तरह से गारंटी होती है। ठीक है ना, तो वही है पहला सॉवरन ग्रीन बॉन्ड की बात की गई। तो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड का मतलब दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे, दोनों का मतलब क्या है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में सॉवरन ग्रीन बॉन्ड है उसकी रूपरेखा को दे दिया। आप सभी जानते हैं सॉवरन ग्रीन बॉन्ड ये बॉन्ड होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण संबंधी प्रोजेक्टों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया जाता है, उनको मार्केट में दिया जाता है, उनसे मिलने वाले पैसे को हम रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन, अडेप्शन या इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करते हैं, उसको यदि सरकार के द्वारा इशू किया जाता है तो उसे बोलते हैं हम सॉवरन ग्रीन बॉन्ड। उसको कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूट वो इशू करती है तो उसको बोलेंगे हम ग्रीन बॉन्ड। ठीक है ना, इस फ्रेमवर्क की दो चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी, आप सभी जानते हैं। सबसे पहले आपको बताया पहली बार 2022-23 के केंद्रीय बजट में हमने सॉवरन ग्रीन बॉन्ड की बात करी, SGB की बात कब करी, ये इंपॉर्टेंट है कि 2022 और 23 के उसमें करी। तो एक स्टेटमेंट तो यह है कि क्या है, दूसरा आपका स्टेटमेंट यह है कि ये किसने करी, तीसरा ये जो फ्रेमवर्क है अब कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश पूरी तरह की, इसलिए इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इस फ्रेमवर्क में एक सबसे बड़ी बात है, ग्रीन प्रोजेक्ट को डिफाइन किया है। ग्रीन बॉन्ड का मतलब है ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए पैसा कमाना, उसको इन्वेस्ट करना। इसमें ग्रीन प्रोजेक्टों को डिफाइन किया है, कौन होंगे ग्रीन प्रोजेक्ट ये आपको पता हो जाए। पहला वो प्रोजेक्ट जो एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देते, एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी मतलब ऊर्जा की बचत हो, ऊर्जा का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, वेस्टेज ऑफ ऊर्जा है वो कम हो, वो आए, उस प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने वाली सारी चीज़ें हैं वो आपके इसमें आए। जैसे आपने कोई बिल्डिंग्स बनाई ग्रीन बिल्डिंग, वहाँ ऊर्जा की बचत होगी। आपने कोई फैक्ट्री बनाई, वो थर्मल पावर प्लांट लगाए, मतलब वहाँ पर आपने थर्मल पावर भी एक तरह से इसका सोलर पावर प्लांट लगाए तो उसके लिए। दूसरा ये कार्बन और ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को कम करें, यानी कि ऐसे सारे प्रोजेक्ट जिनसे कार्बन इमिशंस कम, फॉर एग्जांपल आपने लगा दिया रिन्यूएबल एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट लगा दिया, आपने कोई भी प्रोजेक्ट जैसे आपने कोई इंडस्ट्री डेवलप करी लेकिन वो इको फ्रेंडली है, तो उसको उसके लिए भी आप पैसा है ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम से ले सकते हैं।
ठीक है। दूसरा, इस फ्रेमवर्क में कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल होंगे? रिन्यूएबल अक्षय ऊर्जा का, स्वच्छ परिवहन का, जल अवशिष्ट का, ग्रीन बिल्डिंग का। मैंने बोला ना ग्रीन बिल्डिंग, इसमें ग्रीन बिल्डिंग आ गई, तो ग्रीन बिल्डिंग, इनको, इन प्रोजेक्टों के लिए पैसा आप इस ग्रीन प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ले सकते हो, इस बॉन्ड से माध्यम से ले सकते हो। कौन सी नहीं ले सकती? परमाणु ऊर्जा के लिए आप यहाँ से पैसा नहीं ले सकते। लैंडफिल प्रोजेक्ट के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि लैंडफिल में आप जो कचरे को भूमि में दबाते हो, उससे बात तो सही है कि अपशिष्ट मैनेजमेंट होता है, लेकिन उससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी होती है। प्रत्यक्ष अवशिष्टकरण भस्मीकरण 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले जल विद्युत संयंत्रों के लिए, अगर 25 से कम वाले हैं तो इसके लिए एलिजिबल है, 25 से अधिक है तो इसके लिए एलिजिबल नहीं। एसडीजी जारी करने से संबंधित कोई भी डिसीजन है वो ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी लेती है, और ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त होने वाली आय भारतीय कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी। उसे जो भी आय इसका होगी, क्योंकि सॉवरन बॉन्ड के द्वारा इसको किया गया, तो उसे जो भी आय मिलेगी वो किसमें जाएगी? आपके संचित निधि में। ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो 2017 में सेबी ने इससे संबंधित कई मापदंड स्टैंडर्ड, क्योंकि सेबी को पैरामीटर डिसाइड करने हैं कि कौन कौन से ग्रीन बॉन्ड कहलाएंगे, और इशू कर दिए हैं। और भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड यस बैंक के द्वारा इशू किया गया था 2015। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट यूपीएससी ऑलरेडी कहीं पूछ सकते हैं। अगला है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, म्यूनसिपल का मतलब किसी नगर पालिका ने ग्रीन डेवलपमेंट करने के लिए ग्रीन बॉन्ड इशू किया हो, ग्रीन प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो आपको क्या हो गया, आपका म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड हो गया। तो सेबी ने घोषणा की है कि नगर पालिका ऋण प्रतियोगिता की जारी करता है, वो ग्रीन बॉन्ड जारी कर सकते हैं। कौन? जो भी म्यूनसिपलिटी है वो सारी अपना ग्रीन बॉन्ड है वो इशू कर सकती है, और इन बॉन्डों को मुख्य रूप से गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने और सूचीबद्ध करने से संबंधित समझौते को पालन करना, यानी सेबी के द्वारा जो भी डायरेक्शंस दी गई है ना, उन सभी को उसमें फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि कौन से प्रोजेक्टों में, वही सेम प्रोजेक्ट जो ऊपर मैंने बताया, उन्हीं प्रोजेक्टों में आप इसके अंतर्गत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई रिन्यूएबल एनर्जी, अगर मान लें कोई म्यूनसिपलिटी कॉपरेटिव चाहिए कि वहाँ पर सोलर पम्प लगाने हैं, वहाँ पर आपको वायु ऊर्जा का लगाना है, वो सब लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाने हैं वो चला सकते हैं, जल अवशिष्ट करना है तो वो ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से पैसा लेकर के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आए ब्लू बॉन्ड। सेबी ने ब्लू बॉन्ड की अवधारणा, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ये भी उस तरह के, ये भी बॉन्ड ही, बॉन्ड तो बॉन्ड ही होता है, बस उसका यूज करना, उससे मिलने वाले पैसे का यूज करने का जो तरीका, किस एरिया में आप यूज कर रहे हो उसी को बोलते हैं हम ब्लू बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड का मतलब होता है कि जो बॉन्ड जिससे मिलने वाले पैसे को आप स्वच्छ महासागर नीली इकोनॉमी में निवेश करने के लिए किया। नीली इकोनॉमी आप सारे जानते हैं कि जो आप समुद्री समुद्र महासागर पर डिपेंड होने वाली जो आपकी इकोनॉमी है पूरी, चाहे वो आपकी मत्स्य पालन हो, चाहे वो आपका महासागरीय ऊर्जा उत्पादन हो, उस सारी चीज़ों पे जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आप लेंगे वो सारा आपका ब्लू बॉन्ड में आएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये बहुत बढ़िया है, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर ब्लू इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कंपनी अपना ब्लू बॉन्ड इशू कर देगी, उससे पैसा कमाएगी, इसमें इन्वेस्ट कर देगी। तो भारत में अगर ब्लू इकोनॉमी बात करें तो समुद्री संसाधन हो गया, इसके बाद मत्स्य, राष्ट्रीय ऊर्जा, ये सभी क्या है आपकी ब्लू बॉन्ड, इसमें आप यूज कर सकते हो। अगर आपको राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा के बारे में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें आप इससे पैसा कमा सकते हो। तो बॉन्डों के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन बेसिकली बॉन्ड आप सभी जानते हैं, बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से आप मार्केट में एक निश्चित रिटर्न पे पैसा कम, मतलब ब्याज पे आप क्या लेते हो, पैसा लेते हो, एक निश्चित समय अवधि के बाद उसको वापस चुका देते हो। इसके अलावा ग्रीन परमिट, हाल ही में ऐसी कुछ अवधि बढ़ा दी, ग्रीन परमिट मतलब किसी प्रोजेक्ट को परमिशन कब तक के लिए दी गई है उसके बारे में किया गया है। जैसे अगर किसी नदी घाटी प्रोजेक्ट को अवधि बढ़ा दी और उसको 13, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसको 13 साल तक ग्रीन परमिट दिया जाए कि भाई 13 साल तक वो चलती रहेगी, उसको ग्रीन का परमिट दिया जाए। तो पर्यावरण योजना मतलब मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे जो पर्यावरण संबंधित कोई मंजूरी होती है उसके लिए अवधि वो बढ़ा दी। जैसे क्या क्या बढ़ा है ये आपको याद रह जाए तो ठीक है, बाकी इसमें इतना घबराना नहीं, बस इसमें इतना ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा के लिए 15 वर्ष कर दी है, खनन और नदी घाटी के लिए 10 वर्ष का भी। अगर खनन कोई माइनिंग चल रही है या नदी घाटी कोई प्रोजेक्ट है उसमें उसको 10 वर्ष कर दिया, 10 वर्ष के बाद दोबारा उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। खनन पट्टों की मजदूरी की समीक्षा की जाए, वर्तमान में खनन पट्टे 50 वर्ष के लिए जाते हैं जबकि पर्यावरण मंजूर 30 वर्ष तक वैध रहती है। खनन जो अगर कई बार ये कह रहा है
एक चीज थोड़ा सा, ये दूसरी वाली पॉइंट ना, खनन और नदी घाटी परियोजना के अलावा जो भी प्रोजेक्ट है उन पर 10 साल की होती है, सॉरी ध्यान रखना, खनन के लिए तो 30 साल की अवधि होती है। इसमें यही कहा गया है कि जब खनन पट्टे आप किसी को 50 वर्ष के लिए देते हो लेकिन उसको पर्यावरण मंजूरी आप 20 वर्ष के 30 वर्ष के लिए देते हो तो सही चीज़ नहीं है। इसलिए वैधता को बढ़ाने की कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आप जिस तरीके में कुछ समरूपता आ जाए कि भाई अगर आप जो लाइसेंस दे रहे हो किसी को माइनिंग के लिए तो उसको ग्रीन चीज़ का भी, ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में भी उसको लाइसेंस दिए जाए। बेसिकली वही है कि इसमें बढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमें कुछ जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है, परमाणु ऊर्जा के प्रोजेक्ट है, उनमें काफ़ी समय लगता है। अब समय लगता है तो बार बार उनको क्या लेनी पड़ती है, उनको परमिशन लेनी पड़ती है। 10 साल के दिए गए, यहाँ को प्रोजेक्ट 15 साल तक चल रहा है तो 5 साल के लिए फिर लेनी पड़ी। इसलिए ये था क्योंकि प्रोजेक्टों में डिले क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रोजेक्टों में डिले इसलिए होता है, पहले वहाँ कोई लोकल कम्युनिटी रहती है तो उससे सहमति लेनी पड़ेगी, फिर वहाँ की ग्रामीण मिनिस्ट्री से लेनी पड़ेगी, स्टेट से लेनी पड़ेगी, बहुत जगह आपको परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद परमिशन मिलेगी बड़ी मुश्किल से, उसके बाद वो प्रोजेक्ट लगाया जाएगा तो इट टेक लॉन्ग टाइम, तो सब ये लॉन्ग टाइम लेता है। तो इसलिए इसकी पर्यावरण मजदूरी को आगे बढ़ाने की बात की गई है, इसलिए पर्यावरण मिनिस्ट्री के द्वारा कई मामलों में इसकी अवधि है उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है किस किस के लिए कितनी है। तो देखो, नदी घाटी के लिए 13 वर्ष, परमाणु ऊर्जा के लिए 15 वर्ष, और इसके अलावा खनन, नदी घाटी, इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी प्रोजेक्ट के लिए 10 वर्ष। खनन के लिए आपको कितनी वर्ष है आप सभी जानते हैं, खनन के लिए आपको कितना हुआ, खनन के लिए आपको 30 ईयर्स की अनुमति, ठीक है। और एक यहां से क्वेश्चन हो सकता है कि किस नियम के अंतर्गत ये काम होता है, तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ये बिल्कुल अनिवार्य है। और इसके लिए यह है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन, जिसे बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, इसके अंदर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जिन परियोजनाओं के लिए जरूरी है उन परियोजनाओं के लिए इसकी मंजूरी भी जरूरी है। वर्तमान में EIA प्रक्रिया 2006 के नियमों के अनुसार चल रही है, जिसमें संशोधन किया गया था 2020 में। तो मैं आपको एक बार EIA के बारे में हम बता देंगे, उसके बाद थोड़ा चीजें देखेंगे। बेसिकली आपको 2-4 नियम है, प्रक्रिया ध्यान रखना। EIA नियम 2006 में अन्य हाल संशोधन, अभी कुछ संशोधन किए गए EIA नियम, बेसिकली पूरे EIA नियम चल रहे हैं 2006 के नोटिफिकेशन के आधार पर, लेकिन कुछ संशोधन किया है। वो संशोधन का अगर आपको थोड़ा सा याद रह जाए तो बढ़िया बात। पहला संशोधन ये है कि नियंत्रण रेखा सीमा रेखा के, अगर हमारी जो बॉर्डर बाउंड्री है वहाँ पर अगर हम किसी रोड को, प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं तो वह किसी प्रकार की पर्यावरण संबंधी असेसमेंट होना जरूरी नहीं, पहली चीज कोई उसको EIA से छूट देगी। दूसरा, बायोमास आधारित ऐसे विद्युत संयंत्रों को छूट में सीमा वृद्धि कर दी है जहां पर कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोल उत्पादन जैसे ईंधन को 15% तक उपयोग होता है। जैसे कोई अगर बायोमास प्रोजेक्ट लगा हुआ है उसमें ईंधन भी यूज हो रहा है, लेकिन ईंधन में अगर कोयला और लिग्नाइट पेट्रोलियम अगर 15% तक ही हो रहा है तो भी उसका EIA करना जरूरी नहीं, ठीक है। दूसरा, हवाई अड्डों पर टर्मिनल भवनों के विस्तार से संबंधित परियोजना में भी पर्यावरणीय प्रोजेक्टों से संबंधित छूट दी गई है। हालांकि प्रोजेक्ट हवाई अड्डे के मौजूद क्षेत्र में नहीं, ध्यान रखना अगर हवाई अड्डे का कोई क्षेत्र पहले से ही फिक्स है तो उसके उसमें अगर आप कुछ टर्मिनल डेवलप कर रहे हो तो उसके लिए आपको पर्यावरण सहमति नहीं लेनी पड़ती, पर्यावरण मंजूरी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन अगर आप जगह का ही विस्तार कर रहे हो तो आपको पर्यावरण मंजूरी लेनी पड़ती। दूसरा, राष्ट्रीय महत्व की किसी भी मतलब बी श्रेणी की प्रोजेक्ट, अब मैं बताऊंगा बी श्रेणी में कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं, उनके लिए भी आपको पर्यावरणीय रूप से नहीं लेना पड़ता। जैसे राष्ट्रीय सामरिक दृष्टि से कोई प्रोजेक्ट है, कोई महामारी प्राकृतिक आपदाओं में हमने कोई जबरदस्ती कोई प्रोजेक्ट तुरंत बनाना है तो वहाँ पर्यावरणीय चीज़ों के लिए आपको अनुमति की छूट दी गई है। ये स्पेशल छूट है ताकि आप बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकें, क्योंकि पर्यावरण आकलन जो असेसमेंट है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसीजर, इसको प्रोसीजर किया जाता है उसके बाद आपको इसमें परमिशन मिलती है। तो ये थोड़ा सा प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है किस किस में स्पेशल छूट दी गई, प्रक्रिया क्वेश्चन बन सकती है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये नॉर्मली एक प्री का क्वेश्चन तो क्या है, ये तो आपका बेसिक का क्वेश्चन है, क्योंकि 1986 के एक्ट के अंतर्गत ये बात बोली गई है कि कोई भी प्रोजेक्ट आपको लगाओगे उस प्रोजेक्ट का आप सबसे पहले आप क्या करोगे, पर्यावरणीय मंजूरी उसमें जरूरी है। क्या जरूरी है? एनवायरमेंटल जो कंसेंट है वो आपको जरूरी है, एनवायरमेंटल कंसेंट जरूरी है। तो एनवायरमेंट कंसेंट से पहले उसका EIA होना बहुत जरूरी है। EIA का मतलब है कोई प्रोजेक्ट जब आप लगा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का पर्यावरण पे कितना प्रभाव पड़ेगा इसका पूर्व आकलन किया जाता है। जैसे मान लें कोई प्रोजेक्ट लगाया आपने हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, इसके बाद इसका पूरा असेसमेंट किया जाएगा, माना जाएगा इससे मान लें 10 टन इससे ग्रीन हाउस एमिशन हो रही है,
लेकिन ये दूसरी ओर अगर 80 टन ग्रीन हाउस गैस के सिंकिंग में काम कर रहा है, बचाने में काम कर रहा है, तो इसको पर्यावरणीय अनुमति दी जाएगी। और इसमें का असेसमेंट किया जाता है कि कितना उससे नुकसान हो रहा है और कितना उससे फायदा हो रहा है, इन दोनों की कैलकुलेशन के आधार पर ही उसको मंजूरी दी जाती है। तो इसका कैलकुलेशन जिस तरीके से करते हैं वो कैलकुलेशन होता है इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे बोलते हैं ईआईए। तो 2006 के जो ईआईए है वो आपको पता है पर्यावरण मंजूरी जरूरी है। जैसे कोई खनन प्रोजेक्ट है उसका ईआईए होगा, कोई थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसका ईआईए होगा, नदी घाटी है, अवसंरचना है, उद्योग परियोजना है, उनका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना बहुत जरूरी है। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट का वो करते हो तो उसको चार चीजों से गुजरना पड़ता है, चार उसके लेयर होते हैं। पहला लेयर है उसका स्क्रीनिंग, सबसे पहले बेसिकली उस प्रोजेक्ट को देखा जाएगा। उसके बाद है उसका स्कोपिंग कि उसमें अगर हमने इसको स्क्रीनिंग कर ली कि ये इसके प्लस पॉइंट है, इसके माइनस पॉइंट है, उसके बाद स्कोपिंग देखी जाएगी कि कितने माइनस पॉइंटों को कम किया जा सकता है। फिर इसके बाद पब्लिक कंसेंट जरूरी है, इसमें पब्लिक के बीच में उस प्रोजेक्ट से संबंधित चीजें इशू की जाए। यही बड़ा एक डिस्प्यूटेबल रहा कुछ टाइम के लिए कि पब्लिक पब्लिक कंसेंट के लिए ज्यादा टाइम दिया जाता था, उसको सरकार ने घटा दिया। पब्लिक कंसेंट बहुत जरूरी है कि भाई ये प्रोजेक्ट आपके एरिया में लगाया जा रहा है, आप बताइए क्या लगाया जाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा बात, इन सारी चीजों के बाद उसका फाइनल मूल्यांकन किया जाता है कि इसको परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए। इन चार चीजों से ही उसको गुजरना पड़ता है। इट विल टेक टाइम, दैट्स वाई कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट है, चाहे इकोनॉमिक रूप से इंपॉर्टेंट है, उन प्रोजेक्टों को ईआईए से बाहर रखा गया है। पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने के लिए नॉर्मली 105 दिन शामिल है, लेकिन इसके मूल्यांकन के लिए 60 दिन और प्राधिकरण के निर्णय के लिए दिए जा सकते हैं, और विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्णय के लिए 45 दिन। पहली बार मंजूरी प्रदान करने के लिए 105, उसके मूल्यांकन के लिए 60, और प्राधिकरण अगर डिसीजन लेना है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए नहीं किया जाए तो वो इस पर 45 दिन और ले सकते हैं। परियोजना का वर्गीकरण किया गया है, मानव स्वास्थ्य, प्राकृतिक और मानव संसाधनों के आधार पर वर्गीकरण किया गया। जैसे सभी ए श्रेणी और सभी B1 श्रेणी के प्रोजेक्ट हैं, अथवा गत कुछ अपवादों का परामर्श लिया जाएगा। जैसे ये कहा गया है कि किन किन पे आपको परामर्श लेना चाहिए, तो ए श्रेणी और B1 श्रेणी के सारे प्रोजेक्टों पे आपको सार्वजनिक परामर्श लेना बहुत जरूरी है। अपवादों में अगर बात करें तो जैसे सिंचाई प्रोजेक्ट लग रहा है, सड़कों का विस्तार करते हुए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण शामिल नहीं है। आप सड़क तो बढ़ा रहे हो लेकिन अलग से भूमि नहीं ले रहे हो, भवन निर्माण कर रहे हो, ऐसी चीजों के लिए आपको हो सकता है कि आप इसमें पब्लिक कंसेंट ना रखें, ठीक है ना। कोई प्रोजेक्ट कोई कंपनी लगाएगी 45 दिनों के अंतर्गत, उसको समझिए ही है, मैंने बोला कि पहले 60 दिन का था पब्लिक के लिए, 60 दिन का था पहले, अब 45 दिन में पब्लिक को उसमें कंसेंट देनी पड़ेगी। वही एम्पावरमेंट मैं बोल रहा कैसे होती है, पहले स्थान की पहचान की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी, फिर देखा जाएगा कि इसका ईआईए होना जरूरी है नहीं, क्योंकि अगर B2 प्रोजेक्ट में आता है तो ईआईए जरूरी नहीं है, अदरवाइज A1 और B1 में आएगा तो इसमें एनवायरमेंट अफेक्ट ईआईए होना जरूरी है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं कि किसको छूट दी गई है, जिन जिन को छूट दी गई है उसको तो इसमें करेंगे नहीं। सबसे पहले क्या है कि पहले चेक करेंगे कि ये प्रोजेक्ट लगा है, फिर उस प्रोजेक्ट की जांच पड़ताल करेंगे, जांच पड़ताल के बाद देखेंगे इसका ईआईए जरूरी है या नहीं है। अगर ईआईए नहीं है तो ये डायरेक्ट इसको परमिशन दे देंगे, अगर ईआईए है तो फिर इसका एनवायरमेंट असेसमेंट किया जाएगा, उसके बाद इसकी एनओसी निकलेगी, एनओसी के लिए इसको आवेदन करना पड़ेगा, फिर मूल्यांकन समिति चेक करेगी, चेक करने के बाद देखेगी क्या सच में इसको स्वीकृत किया जाए या नहीं स्वीकृत, उसके आधार पर। अब प्रोजेक्टों को अगर देखना चाहे तो देख सकते हो, आपको जैसे श्रेणी ए में कौन कौन से प्रोजेक्ट रखे हैं, श्रेणी बी में कौन कौन से, और B1 और B2 में कौन से प्रोजेक्ट रखे। जैसे श्रेणी ए में प्रोजेक्ट वो रखे जिसमें केंद्र सरकार से अग्रिम पर्यावरणीय मंजूरी अच्छी। श्रेणी ए में आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको केंद्र सरकार से पहले से ही, केंद्र सरकार से एडवांस में ही EIA के अंतर्गत एनवायरमेंट मंजूरी लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए विशेषज्ञ समिति के द्वारा सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार को डिसीजन लेती है। श्रेणी बी में राज्य सरकार से लेनी पड़ती है, राज्य सरकार का भी एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्राधिकरण होता है, वो इसमें अग्रिम अनुरोध देता है। ध्यान रखना, श्रेणी ए में सेंट्रल गवर्नमेंट, श्रेणी बी में स्टेट गवर्नमेंट। श्रेणी बी को दो पार्ट में किया गया, श्रेणी B1 और B2। B1 में नॉर्मली पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने से पहले B1 में वो प्रोजेक्ट आएंगे जिनका EIA करना है, B2 में वो है जिनका EIA नहीं करना है, लेकिन पर्यावरणीय मंजूरी सभी प्रोजेक्टों में लेना जरूरी है, ठीक है। EIA नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन पर्यावरणीय मंजूरी हर प्रोजेक्ट में लेना जरूरी है, ठीक है ना। तो A1 की सेंट्रल गवर्नमेंट वाले से लेते हैं और B की आपको किससे लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से। ये चीज आपको ध्यान रखना। राज्य पर्यावरण आकलन प्राधिकरण आप सभी जानते हैं, NGT ने निर्देश दिया है पर्यावरण मिनिस्ट्री को
कि वो स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेस अथॉरिटी को कुछ दिशा निर्देश दें, ठीक है ना। नॉर्मली पहले क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वही परमिशन देती, लेकिन अब स्टेट को भी कुछ मामलों में परिवार आपको दे दिया है। स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी है, उसको भी कुछ चीज़ों में परमिशन देने के लिए मतलब उसको हमने शक्तियाँ दे दी, ठीक है ना। तो वही इसमें बात हो रही है, इसमें एक बार देख लो बस, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके अलावा ये है, ये पर्यावरणीय प्रभाव के लिए स्वयं रिपोर्टिंग है तो कंपनियों के मानकों को मसौदा, ये तो ज़्यादा है नहीं है, इसको देख ले बस। कि अब कुछ मानक ये किया गया, जैसे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड ने जनता के सुझाव देने के लिए मसौदा जारी किया गया। आप सभी जानते हैं ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट इनिशिएटिव बायोडाइवर्सिटी के एक स्वतंत्र मानक निर्धारण संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जो ग्लोबल रिपोर्ट संबंधित जो इनिशिएटिव बायोडाइवर्सिटी उससे संबंधित काम करती है। ये आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल रिपोर्ट इनिशिएटिव, आप सभी जानते हैं ग्लोबल रिपोर्ट इनिशिएटिव एक गैर लाभकारी संस्था है जो व्यवसाय और उन गतिविधियों को बढ़ावा देती है जो बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और GRI में मानक कैसे होंगे, जो अर्थव्यवस्था पर्यावरण के अकॉर्डिंग है। GRI के जो मानक है उनमें 2017, इसको एक बार जस्ट देखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला है क्लाउड फॉरेस्ट असेट्स, ये ज़्यादा देखो सबसे पहली बात है क्लाउड फॉरेस्ट, आपको पता होना चाहिए क्लाउड फॉरेस्ट क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, क्लाउड फॉरेस्ट क्या है क्वेश्चन वहाँ से आता है, और दूसरा एक रिपोर्ट से आएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो जो चीज़ यहाँ से बोली जाए उसको ज़्यादा फोकस रखना, सारी चीज़ें याद रखना आपके लिए पॉसिबल है। देखो अर्थ सिक्योरिटी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, क्लाउड फॉरेस्ट असेट फाइनेंसिंग एंड वैल्यूएशन नेचुरल वेस्ट सॉल्यूशन, ये रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा, अर्थ सिक्योरिटी के द्वारा। और अर्थ सिक्योरिटी क्या है, अर्थ सिक्योरिटी एक वैश्विक प्रकृति आधारित एक संपत्ति प्रधान सलाहकार फर्म है, एक फर्म है जो नेचुरल आधार पर जो आपकी असेट है जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, नेचुरल पूंजी बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, उन सभी के मैनेजमेंट पे ये फर्म काम करती है और इसी के द्वारा रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में उसने एक प्राकृतिक आधारित संसाधन समाधानों की बात की है, प्रकृति आधारित समाधान में आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन क्या है। ये बॉन्ड ध्यान रखना, ये बॉन्ड एंड क्लाउडों की फॉरेस्ट सुरक्षा के लिए वित्त पोषण का एक विकल्प है, क्या कहा है रिपोर्ट में सुझाया गया है कि क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड, क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड यानी कि बॉन्ड इशू करेंगे और उनसे मिलने वाला पैसा है उससे क्लाउड फॉरेस्टों को संरक्षण करेंगे। बॉन्ड का यही खेल है, जिस चीज़ के लिए उसको नाम से पता लग जाएगा वो किसके लिए किया जा रहा है। तो आपको मैं दो तीन चीज़ें इस पूरे टॉपिक से आपको पता होनी चाहिए, पहला क्लाउड फॉरेस्ट क्या है और दूसरा नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन क्या है और तीसरा आपको पता होना चाहिए एक तो क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड क्या है। तो क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड मैंने इसको बता दिया कि क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड वो बॉन्ड जिनको इशू करके उनसे मिलने वाले पैसे को क्लाउड फॉरेस्ट के लिए उनके संरक्षण के लिए आप फाइनेंस के लिए यूज कर सकते, ठीक है ना। दूसरा है नेचुरल वेस्ट सॉल्यूशन, देखो नेचुरल वेस्ट सॉल्यूशन को देखते हैं अपन कि नेचुरल वेस्ट सॉल्यूशन कैसे होता है। नेचुरल वेस्ट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं इसमें ये नेचुरल वेस्ट सॉल्यूशन की बात को देखो, नेचुरल वेस्ट सॉल्यूशन का मतलब है कि प्रकृति की समस्याओं का प्रकृति के द्वारा समाधान। जैसे अगर मान लें जैसे प्राकृतिक पास अगर मान लें पर्यावरण में पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो हम प्रकृति के लिए पर्यावरण पुनरुद्धार की बात करें, आप अगर मान लें मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है तो हमें लैंड रिफॉरेस्टेशन की बात करें, अगर मान लें सूखा पड़ रहा है तो वनीकरण की बात करें। तो पर्यावरण से ही पर्यावरण का समाधान करने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं प्रकृति आधारित समाधान। जैसे इसको देख सकें कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण संधान पुनरुद्धार के लिए जो की गई कार्रवाई जैसे जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य इन चीज़ों पर हम अच्छे से काम कर सकें, यानी कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम प्रकृति को यूज कर सकते हैं जिससे मानव कल्याण भी होगा और जैव विविधता का लाभ भी सभी को मिलेगा। उस चीज़ पर हमें फोकस करना है। तो प्रकृति आधारित समाधान का मतलब ये पूरे एक चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे एक तो हमें पुनरुद्धार करना है, पुनरुद्धार कैसे करना है कि जैसे पेड़ पौधे लगाओ, दूसरा आपको प्राकृतिक जो प्रजाति उनका संरक्षण करना है, आपको नेचुरल संसाधन प्रबंधन करना है, आपको जो इंफ्रा आप डेवलप करो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए वो डेवलप कर सकते हो, इससे आपका मानव कल्याण भी होगा और जैव विविधता संबंधी लाभ होगा। तो प्राकृतिक सॉल्यूशन प्राकृतिक नेचुरल जो बेस्ड सॉल्यूशन है उसका मतलब ये है कि प्राकृतिक संसाधनों से मानव कल्याण और जैव विविधता संबंधी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए और होने वाले जो चैलेंजेज उनका समाधान किया जाए। इसमें क्या है कि जैसे क्या क्या है इसमें नॉर्मली क्या होता है, एक तो अनुकूलन होता है, एक समन होता है, एक लचीलापन होता है।
अनुकूलन का मतलब, जैसे एक एग्जांपल दिया अनुकूलन में से, जैसे आपको पता है कि सूखा पड़ने वाला है, तो आप ऐसी फसलों को ज्यादा उत्पादित कीजिए जिनसे पानी की जरूरत कम हो। जैसे मोटा अनाज है तो मोटा अनाज को थोड़ी सी पानी की जरूरत कम पड़ती है, तो प्रतिरोधी फसलें यानी कि सूखा प्रतिरोधी फसलों के माध्यम से आप जलवायु संबंधित चीजें जिसे ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, खाद्य सुरक्षा संकट है, उनका आप नेचुरली समाधान कर सकते हैं। समन का मतलब है कि प्रेकर आप यानी कि उन कारणों को बढ़ावा देना, मतलब उन कारणों को कम कर देना जो पर्यावरणीय नुकसान को बढ़ावा देते हैं, उन्हें बोलते हैं समन। जैसे अगर क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देता है ग्रीन हाउस गैस, तो आप ग्रीन हाउस गैस भी कम कर दो। तो कैसे कम करोगे? इसके लिए आप किस पे काम करो? आप वनीकरण पे काम करो, तो वनों से आप ग्रीन हाउस गैस को भी कम कर सकते। ये है आपका नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन। दूसरा लचीलापन, हाल ही में ऑब्वियसली आपको एक मिष्टी तटीय समुदाय ने एक मिष्टी तटीय आया के अवसर के आधार पर मैग्रोव वन का उपयोग करके, अब देखो अब आपको पता है कि कुछ चीज़ों में आपको लचीलापन होगा। जैसे मैग्रोव वन है, अब आप स्ट्रिक्ट होगा कि नहीं मैग्रोव वन कोई छेड़ नहीं पाएगा, ये जैसे हैं इनको सुरक्षित, इनमें वहाँ की लोकल कम्युनिटी कुछ चीज़ें छोड़ दो कि भाई ठीक है आप इनका यूज कर लो, कटाई कर लो, अगर जरूरत पड़े चक्रवात आए तो आपके घर के सामने लगा लो, अपने वहाँ लगा दो, उस तरह की लीनियंस इसमें होना चाहिए। ठीक है ना, ये है आपके नेचुरल बेस सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन प्री में बन सकता है, स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कौन सा नेचुरल बेस सॉल्यूशन का पार्ट है, इसलिए इसको जरूर पढ़ना। और एक कॉन्सेप्चुअल चीज, इसमें आपको याद नहीं करना है कोई चीज, ठीक है ना। अब मैंने एक सवाल दो चीज शब्द उठा, अब अगला है आपका क्लाउड फॉरेस्ट का, इन्हें बोलते हैं क्लाउड फॉरेस्ट। क्लाउड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहां पर 10% से अधिक वनावरण क्षेत्र और 70% से अधिक वहां कोहरा मौजूद। तो आप सभी जानते हैं कहां मिलेगा ये? ऊंचे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां कम से कम ऊंचाई 3000 मीटर तक हो, ऊंचाई वाले क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, अगर हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो ऑब्वियसली इसके साथ जैसे हाइट बढ़ेगी आपका वनीकरण भी डाउन होगा। तो ऊंचाई पर जहां 10% वन हो, 70% से ज्यादा वहां कोहरा हो, उन्हीं वन वाले क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? क्लाउड फॉरेस्ट। ठीक है, जिसमें आप सभी जानते हैं काई फन जैसे छोटे वृक्ष आते हैं। अन्य वनों की तुलना में जैसे ठंडे क्षेत्र है, जैसे अंटार्कटिक वाला क्षेत्र, हिमालय वाला क्षेत्र है, जहां ऊंचाई वाले क्षेत्र वहां पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और सतह स्तरीय सघन कोहरे के बादलों की मौजूदगी, सतह इसमें क्या कोहरा है वो सतह से ही बनता है और बादल का रूप मिलता है उसकी बात। तो मेघ भी समझ लें, तीन टॉपिक मैंने बताया, एक क्लाउड फॉरेस्ट, एक क्लाउड फॉरेस्ट का बॉन्ड और एक आपका नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन, तो सारी चीज़ें आप समझ गए। अब क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड के बारे में आप सभी जानते हैं, क्लाउड फॉरेस्ट मैंने बता दिया कि ये आमतौर नदी उद्गम क्षेत्रों में मुख्य रूप से वहाँ पाए जाते हैं जब वन उससे ढके रहते हैं। ये वन समुदाय उद्योगों जल विद्युत संयंत्रों के लिए स्वच्छ जल के रूप में भंडारण, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में आपको पता है आपका कोहरा होता है। 90% क्लाउड फॉरेस्ट, 25% इन विकासशील क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन्हीं की वजह से वहाँ की जलवायु परिवर्तन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन होगा तो इन क्लाउड फॉरेस्टों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्लाउड फॉरेस्ट के लाभ, क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड क्या है? क्योंकि क्लाउड फॉरेस्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, उनके सेक्शन के लिए जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए जो बॉन्ड इशू किया जाता है उसको बोलते हैं क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड। लाभ क्या है? संसाधन मुद्रीकरण, यानी कि क्लाउड फॉरेस्ट के लिए हमको पैसा मिल जाएगा। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन उसको इकोनॉमिक बढ़ावा देंगे, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करेंगे, जो गरीब देश बेचारों को उनको फंड मिल जाएगा। और समाज की भागीदारी, भाई जैसे मुझे क्या है, मैं इन्वेस्टर हूँ और मुझे लाभ नहीं कमाना लेकिन मैं पैसा देना चाहता हूँ, तो मैं ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, जब ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट करूँगा वो कंपनी उस पैसे को ग्रीन डेवलपमेंट के लिए कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, एनजीओज हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सब इसी के माध्यम से कर सकते हैं। C50, ये हमने यहाँ पढ़ा कि C50 क्या है, जिसे बोलते हैं क्लाउड फॉरेस्ट 25। C50 एक इनिशिएटिव से है जो क्लाउड फॉरेस्ट में इसके लिए इन्वेस्टमेंट पे काम करती है। ये देशों को ऋण देने वाली बहुराष्ट्रीय संकटों के साथ निवेश के लिए बढ़ावा देती है। विभिन्न प्रकार की कंट्रीज, विभिन्न प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, विभिन्न प्रकार के मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट उनके साथ बातें करती है, डिस्कशन करती है, उनसे सहयोग लेती है, उसके बाद पैसा लेती है उनसे। इसी पहल वित्त पोषण तंत्र, अगर ध्यान हम थोड़ा सा ये देख लें, ये फ्री के लिए स्टेटमेंट में काम आएंगे, थोड़ा सा इनको एक बार देख लें कुछ टर्मोलॉजी टाइप में। एक है वाटर पेमेंट, क्या है वाटर पेमेंट? क्या है बेसिकली कि पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के एवज में जल उपयोगकर्ताओं से पेमेंट वसूला जाता है। जैसे अगर मान लें कोई आप बांध बना रहे हो,
या कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो उसमें आप नेचुरल जल का यूज कर रहे हो, तो उस पर आपको इसके बदले में कुछ तो पेमेंट लिया जा सकता है, उसे बोलते हैं वाटर पेमेंट। ठीक होता है। सॉवरेन कार्बन नॉर्मली जो आपके तराई वाले क्षेत्र है उसमें कटिबंधीय वर्षा वन जो क्षेत्र है वहाँ पर सॉवरेन और सब सॉवरेन अधिकार क्षेत्रों में फॉरेस्ट कार्बन का मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट है उनके बदले में आप यूज करोगे कार्बन के रूप में, अगर वहाँ कुछ कार्बन को यूज करोगे तो इसके बदले में कुछ पैसा आप पे शुल्क या टैक्स के रूप में लगाया जा सकता है। इसके लिए क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड का रिपोर्ट में ये रिपोर्ट आप सभी जानते हैं क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड हुई है जो फॉरेस्ट की सुरक्षा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड इशू करके पैसा ले सकते। ठीक है। जलवायु परिवर्तन के लिए अब आपसे एक पूछ सकते हो, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या नेचुरल बेस्ड सोल्यूशन हमारे लिए कैसे हो सकता है। तो देखो कैसे काम करेगा, एक तो सहायक क्रिया कैसे करेगी, एक तो देखो एक तो क्षमताएं बढ़ाएगा, जैसे गिरावट से बचे, अगर पेड़ पौधे वनों की गिरावट हो कम होगी उनकी रक्षा करेगा उनको, और लैंड जो आपकी मरुस्थलीकरण हो चुकी है उसको रिस्टोरेशन करेगा, और इन सभी से अपने आप आपकी आपको पता है क्लाइमेट चेंज कम होगी, क्योंकि तो जितना ज़्यादा आपका फॉरेस्ट उड़ेगा उतना ज़्यादा आपका ग्रीन सिंक बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैस का सिंकिंग बढ़ेगी, जितना ज़्यादा आपका लैंड मरुस्थल होगी वो ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा छोड़ेगी, आप मरुस्थल भूमि को यदि वनीकरण भूमि में या ग्रीन भूमि में बदलोगे उसको उपजाऊ भूमि बदलेंगे तो आपको ग्रीन हाउस गैस कम होगी, वन लगाओगे घास लगाओगे मैग्रोव, ये सारी चीज़ें आपको पता है क्लाइमेट सिस्टम जो नेचुरल है ये पूरी तरह आपको पता है जलवायु परिवर्तन को निपटने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन संबंधी से कार्बन सिंक, वनस्पति कार्बन सिंक के रूप में काम करती है, घास के मैदान कार्बन सिंकों के रूप में काम करते हैं, मैग्रोव वन आपकी तेज गति से आने वाले बाढ़ तूफानों से बचने के लिए काम करते हैं, झीलें आपका जल का संरक्षण करती है। तो यही है कि इसमें कहने का मतलब है प्रकृति ने अपना संरक्षण के लिए अपने संसाधन दिए हैं, और ऑब्वियसली इससे क्या होगा आप CO2 के कार्बन में कमी लाएंगे और जलवायु के खतरों को आप कम करेंगे। ठीक है। तो वो सारी चीजें एक है SFN रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर, यानी कि नेचर के लिए वित्त पोषण की क्या स्थिति है उसके बारे में, यानी प्रकृति आधारित समाधान के लिए हमें धन कैसे जुटाना है, कितना धन देशों ने जुटाया है उसकी स्थिति के बारे में रिपोर्ट आती है। तो 2022 की एक रिपोर्ट है जिसे बोलते हैं स्टेटस या स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर। ठीक है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि पहली बार जो नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन है उसके लिए पैसा हम ज्यादा नहीं लेते। देखो अब नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन के लिए आपको फंड तो देना ही पड़ेगा, आपको पेड़ लगाने के लिए, आपको वेटलैंड के संरक्षण करने के लिए, आपको मैग्रोव को बढ़ाने के लिए, आपको लैंड रिस्टोरेशन करने के लिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए आपको, ऑब्वियसली इसमें बोला गया कि हमें अभी तक हम बहुत सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं लेकिन नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन के लिए हमने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं की। ये रिपोर्ट UNEP के द्वारा BMZ द्वारा BMG है द्वारा वित्त पोषण इकोनॉमी ऑफ लैंड डिग्रेडेशन पहल है ना के तहत ये सहयोग जारी किया गया है। ELD पहल को आप सभी जानते हैं, ELD पहल एक वैश्विक है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से और निर्णय लेने प्रक्रिया में भूमि के वास्तविक महत्व के बारे में मतलब भूमि का एक तरह से रिस्टोरेशन से संबंधित चीजें ध्यान रखी। 2011 में पहल चलाई गई थी स्पेशली जनरल फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ध्यान रखना BMZ का मतलब यह है कि ये पर्यावरण मिनिस्ट्री है किसकी, जर्मनी की। जर्मनी बहुत ज़्यादा पर्यावरण को लेकर के इन्वेस्टमेंट करता है आप सभी जानते हैं, तो उसके द्वारा पहल चलाई गई। पहले आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट कौन जारी करता है, UNEP BMZ। ठीक है। और ये पहल किसके आधार पर जारी की गई है, ELD इनिशिएटिव के अंतर्गत ये रिपोर्ट जारी की गई है। और ELD इनिशिएटिव क्या है, ELD इनिशिएटिव आप सभी जानते हैं ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जो और जिसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में भूमि के वास्तविक महत्व को समझना, यानी पूरी भूमि संरक्षण को ज्यादा प्रायोरिटी देना। ठीक है। NVS आप सभी जानते हैं ये हो गया बेसिक, ये आपका हो गया कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। इसके अलावा देखो अब आपके आते हैं वैकल्पिक अल्टरनेट फ्यूल एनर्जी, अल्टरनेट फ्यूल एनर्जी कैसे डेवलप होती है ये UPSC यहाँ से पूछेगा नहीं जाता, बस इसको गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे होती है इसको तो आपको पढ़ना है समझना है तो आप सीख सकते हो, बट इससे ज़्यादा UPSC क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप औसत थर्मल एनर्जी औसन के माध्यम से, औसन में क्या है जैसे औसन में होता है क्या, मैं इसलिए बता दूँ, और समुद्र या गर्म तापमान या इन्वर्टर लगाएंगे ये बास्प आएगा, बास्प में टर्बाइन घूमेगा, टर्बाइन से क्या है जल विद्युत कन्वर्ट होगा। ठीक है। और जो बास घूमने के बाद जो बास बनेगा दोबारा जल आपके जल में वापस मिल जाएगा और ये जल आपका ठंडा होगा। तो यही इसमें कहा है कि देखो औसत थर्मल एनर्जी है
इसके बारे में आपको ध्यान रखना। बेसिकली पॉसन थर्मल एलर्जी कैसे बनाई जाती है, क्या प्रोसेस है, यूपीएससी इसके बारे में नहीं पूछेगा, बस स्टेटस क्या है इसके बारे में पूछेगा। तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भारत का पहला महासागर तापमान ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला तापीय ऊर्जा संयंत्र ये स्थापित किया जा रहा है और इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करेगा। कौन काम करती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ओशन टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। और ओशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट किसके अंतर्गत काम करती है? पृथ्वी मंत्रालय। और कहाँ पर? लक्षद्वीप के कवरत्ती में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 65 किलो। यह संयंत्र समुद्री जल को पेयजल बनाने के लिए निम्न तापमय वाले तापीय, ध्यान रखें ये जो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है ये न केवल जल का उत्पादन मतलब आपकी एनर्जी का उत्पादन करता है बल्कि शुद्ध जल को भी निकालता है, जैसे ताजा जल निकाल देगा, ये वाष्प के रूप में आएगा या कंडेंसर होगा या इसको ताजा जल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जल के साथ साथ आपकी एनर्जी के लिए भी काम होगा। तो देखो इसमें आपको पीढ़ी के लिए ध्यान रखना है, ये तो आपको याद हो जाए ठीक है, नहीं तो इसको साइड में कर देना। एक तो ये प्रोजेक्ट है किसने लगाया है, दूसरा ये प्रोजेक्ट कहाँ पर लग रहा है, और तीसरा इसका उद्देश्य क्या है, और चौथा इससे पहले 1980 में हम तमिलनाडु तट पर लगाना चाह रहे थे लेकिन उसको क्या नहीं मिली, अभी परमिशन नहीं मिली। महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण आप सभी जानते हैं ये उसका मुख्य कारण है, ऊर्जा रूपांतरण, क्योंकि तापमान में मतलब जल में तापमान की अंतर की वजह से ऊर्जा को हम करते हैं तापीय प्रवणता की वजह से, कि अधिक गर्म जल है उसको बाष्पीकरण करवाएंगे, ठंडा उसको बाष्प निकालेंगे, उससे एनर्जी उसका टर्बाइन घुमाएंगे, एनर्जी करेंगे, उसी संबंध है एक प्रक्रिया है। सूर्य के ताप से महासागर में गहरे जल की तुलना में आप सभी जानते हैं गहरे जल की तुलना में सतह का तापमान ज़्यादा गर्म होता है, और इससे तापमान के अंतर की वजह से उसको जल को विलवणीकरण किया जाता है, और इसके माध्यम से है कि प्रणाली में तापांतर कम से कम 20 डिग्री होना चाहिए तभी जाकर के टर्बाइन घूमेंगे। भारत में इसकी क्षमता सैद्धांतिक रूप से 180 मेगावाट है लेकिन अभी तक भारत इस पर काम नहीं करता है। देखो भारत की ज्योग्राफी क्यों ज्यादा क्षमता है, क्योंकि भारत की ज्योग्राफी अनुकूल है, क्योंकि भारत में समुद्र तटीय क्षेत्र है ज़्यादा है, भारत में टेम्परेचर भी अच्छा पड़ता है, भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। दूसरा भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में काम आएगा, इससे आप पेयजल हाइड्रोजन इनका भी उत्पादन कर सकते हो, इससे जो ठंडा जल आएगा उस ठंडे जल को आप कई चीज़ों में यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं भारत में इसके लिए, है ना। महासागर आधारित ऊर्जा आप समझ जानते हैं, एक तरंग ऊर्जा, एक जलधारा ऊर्जा, एक ज्वार ऊर्जा, तरंगों की वजह से टर्मिनल लगा करके ऊर्जा मतलब ला लो, करंट एनर्जी जो महासागर जलधारा आती है उनसे टर्बाइन घुमा लो, और ज्वारीय ऊर्जा ज्वार आता है उनसे टर्बाइन घुमा के ही एनर्जी जनरेट करनी है, हवा से घुमाएंगे तो हवा का टर्बाइन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक को जल को ऊपर से नीचे डालेंगे तो भी टर्बाइन घुमाएंगे, तो टर्बाइन से ही आपको एनर्जी जनरेट होती है। ये चुनौतियाँ छोड़ दो, यहाँ पर का पार्ट नहीं, ये चुनौती देख लो। सिंधुजा फर्स्ट क्या है, बस इतना ध्यान रखना है सिंधुजा फर्स्ट क्या है। तो IIT मद्रास ने समुद्री तरंगों से बिजली उत्पादन करने के लिए एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है, क्या है सिंधुजा, एक कन्वर्टर है जिसको सिंधुजा नाम दिया गया है। ये तैरता हुआ होगा और ये समुद्र में तैरा दो उसको, वहीं से चीज़ें रिसीव करेगा हवा को, वेव को उसको कन्वर्ट कर देगा, गुब्बारे की तरह तैरेगा, और गुब्बारे की तरह तैरते हुए वो मध्य भाग में छिद्र होगा जिसे होकर छड़ गुजरेगी और छड़ समुद्र में स्थापित किया जाएगा, लहरों के बीच में तैरता रहेगा और वहीं से ये इलेक्ट्रॉनिक आधार पर ऊर्जा उत्पादन करता रहेगा। द्वीपों में भारत में बहुत सारे द्वीप हैं, वहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं, उन्हीं के साथ वहाँ पर ऊर्जा उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लाभ ये ऑब्वियसली ज्वारी ऊर्जा समुद्री ऊर्जा से लाभ ये सेम ही होते हैं, लाभ प्रदूषण कम होता है, नवीनीकरण ऊर्जा है उस चीज़ें कम होती है, ऑब्वियसली नई एनर्जी तकनीक है इनमें खर्चा ज़्यादा होता है, तो बेसिकली वो चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। कोयला गैसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो कोयला गैसिफिकेशन की प्रक्रिया है, इसको UPSC थोड़ा पूछने के चांस कम रहता है लेकिन फिर भी आप देख लेते, थोड़ा सा देख लेगा क्या है इसमें, पहले इसका मुद्दा क्या है वो देख लेते। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्व में 50% को रियायत देने की अनुमति दी है। ऐसे बोल जाता अगर कोई बोल जाता जो काम होंगे उसको रियायत में कौन कौन से होंगे, ये टेक्निकल चीज़ है, जहाँ मतलब वो कंपनी जो कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देगी बहुत कंपनियों को इसमें रियायत दी जाएगी। सालाना आधार पर कोयले गैसीकरण द्रव्यीकरण के लिए कोयले को बेचता है, हालांकि उस वर्ष स्वीकृत खनन के तहत कम से कम 10% को खपत करेगा गैसीकरण के रूप में, तभी उसको यह मतलब चीज़ें दी जाएंगी। कोयला गैसीकरण क्या है, कोयले को एक शनि गैस के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, शनि गैस में आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड ये आती है, और इसमें कोयले का गैसीकरण एक तो क्या है कि ये परिवर्तित करता है शनि गैस में, दूसरा कि इंसीटो प्रोसेस है, इंसीटो मतलब है कि ऑक्सीजन को जल के साथ कोयले के संस्थान में प्रवेश करवाया जाता है हाई टेम्परेचर पर,
जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब जल छोड़ा जाता है कोयले में, जल छोड़ने के बाद उसमें से हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी को ऑक्सीजन करके अलग कर देता है। ठीक है, ये तो है एनसीटो, यानी उसी जगह। एक्सीटो मतलब उसको ले जाकर के दूसरी जगह काम करना, जैसे इसमें रिएक्टर के माध्यम से गैसीकरण की प्रक्रिया को लगाया जाता है। रिएक्टर लगाएंगे, एक तो यही है कि यहाँ वहाँ कोयला है, मिट्टी है, कोयला खनन है, उसी में आप पानी डालोगे, उसी से आप उसको ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण करने से उसकी कुछ गैसें अलग हो जाएंगी और कुछ गैसीकरण से सिनगैस बन जाएंगी। सिनगैस क्या है, इको फ्रेंडली ज़्यादा होती है कोयले की वजह। ठीक है, कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया में आप सभी जानते हैं कि कोयले में मौजूद सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड अल्प मात्रा में सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है, एसिड को रिमूवल किया जाता है सल्फाइड के माध्यम से। इसका लाभ यह है कि इससे आप तरह से कह सकते हैं कचरा कम, बहुत कम निकलता है, चलकर रिसाइकलिंग कर सकते हैं और इको फ्रेंडली होता है थोड़ा सा कोयला। इसलिए अब गैसीफायर कितने प्रकार के हैं इसको तो छोड़ ही देना, इसका कोई ज़्यादा यूज है नहीं है। ये ध्यान रखना है कि कोयले की प्रक्रिया कैसे होती है। देखो कोयले में आपको देखो चरण में क्या है, इसमें तापमान, दबाव और एक गैस, ये तीन चीज़ें आपको होनी चाहिए। उत्पाद क्या होंगे, इससे ये उत्पाद निकलेंगे जिन्हें बोलते हैं सिनगैस। इस पूरी प्रोसेस में जैसे कोयला हो गया, इधर जल मिलाया, इधर ऑक्सीजन, इन तीनों को मिलाकर के पूरी प्रोसेस। इसमें टेम्परेचर पे इसको 30% दाब इतना पड़ाया, टेम्परेचर इतना बढ़ाया, इसके बाद इससे उत्पाद निकलेंगे जिन्हें सिनगैस बोलते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और CO2/H2 के अनुपात में समायोजित किया जाएगा और इस उत्पाद को ही हम पहले क्या है उपयोग करने से पहले सिनगैस को हम थोड़ा क्लीन करेंगे, इसको भी थोड़ा रिसाइकलिंग करते हैं। सब उत्पाद की हम बात करें, सब प्रोडक्ट, तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कोयले से प्राप्त खनिज, ये सब, ये आपके लिए प्रोसेस है। ये थोड़ा सा प्रीका इंपॉर्टेंट मिल सकता है ज़्यादा, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, बाकी इसको तो आप छोड़ देना ही ज़्यादा जरूरी है। केंद्र सरकार ने अभी ये थोड़ा सा देख सकते हैं हाल ही में, केंद्र सरकार पर थोड़ा फोकस कर रही है। केंद्र ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण के प्रयोग करने के लिए राष्ट्रीय मिशन तैयार किया। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कोयला मंत्रालय ने उसका उद्देश्य था कि 2030 तक हम 100 मीट्रिक टन तक हम क्या कर सकते हैं कोयला का गैसीकरण कर सकते हैं, क्योंकि इसको सिनगैस में कन्वर्ट किया जाएगा। अकॉर्डिंग सिनगैस है तुलनात्मक रूप से ज़्यादा, ग्रीन हाउस गैस के मिशन कम करेगी कंपेरेटिव। इसमें है कि नोडल अधिकारी, हर कोयला कंपनी का एक नोडल अधिकारी जो अपने कोयला का 10% कम से कम गैसीकरण करने पर क्या बोला, इस पहल में बोला गया कि हर कब जैसे कोई पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट का एक इंचार्ज होगा, वो उसका नोडल ऑफिसर होगा। नोडल ऑफिसर क्या करेगा कि कोयले उत्पादन के लिए कम से कम 10% गैसीकरण पर फोकस करेगा, तो उस कोयले का 10% कोयला कम से कम गैसीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्याज उस गैसीकरण के लिए आपको जो प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा उसमें आपको रियायत दी जाएगी, इंटरेस्ट में रियायत दी जाएगी, आयात में भी आपको गैसीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत जो आपको इक्विपमेंट चाहिए उनका आप आयात करोगे तो उसमें भी आपको कस्टम ड्यूटी वगैरह आपको छूट दी जाए। तो ये कुछ इनिशिएटिव लिए गए इसके अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल 2018, ये बहुत पुरानी पॉलिसी है, इसमें 2018 में संशोधन किया, 2020 में भी, और बीच में संशोधन ये किया गया कि जो पहले हम पहले तो आपको देखना है कि बायोफ्यूल क्या होते हैं और दूसरे बाद उसके बाद क्या करंट है। सबसे पहले करंट में देखते हैं कि 2018 की जो नीति थी वो 2018 की नीति में ये था कि हम 2030 तक हमारा टारगेट होगा कि पेट्रोल में 20% क्या होना चाहिए आपका बायोफ्यूल होना चाहिए, ये टारगेट को हम प्राप्त करेंगे। यानी कि इंजनों को इस तरीके से हम डेवलप करेंगे या बायोफ्यूल को इस तरीके से करेंगे वो पेट्रोल के साथ 20% तक मिल जाए इस टारगेट के लिए। लेकिन सरकार ने अभी इसको चेंज किया, बोला है कि 25-26 तक ही हमें प्राप्त किया जाना चाहिए, 2030 की बजाय हमें 25-26 तक ही इसको प्राप्त करना है, ऐसी संशोधन को मंजूरी दी। बायोफ्यूल आप जानते हैं, ये बायोफ्यूल ये एक तरल पदार्थ है जो एथेनॉल और बायोडीजल के साथ मिलकर के बनता है, जैसे कृषि उत्पाद, वन उत्पाद, इन सभी को आप बायो कंपोज करके इनसे आप यूज करते हैं, और इन जैव उत्पादों को कच्चे माल, जो इस बायोफ्यूल के लिए जो कच्चा माल यूज किया जाता है, चार प्रकार की जनरेशन के आधार पर जाता है, अलग अलग जनरेशन में अलग अलग प्रकार के कच्चे माल होते हैं, उनको फिर हमें प्रोसेसिंग करके बायोफ्यूल बनाते हैं। प्रतिवर्ष भारत में 140 मिलियन टन जब कृषि अवशिष्ट है, क्यों ना हम भारत में बायोफ्यूल का उत्पादन क्यों ना कर सकें, क्योंकि कृषि अवशिष्ट बायोफ्यूल उत्पादन करने के लिए फर्स्ट श्रेणी का जैव ईंधन है, कच्चा माल है। 2018 की नीति क्या कहती थी उसको देख लेते हैं, फिर चारों जनरेशन देख लेंगे। 2018 की नीति के लिए कि जो भी आने वाले दशक है उसमें ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में
हम बायोफ्यूल के कंजम्पशन को बढ़ाएंगे ताकि जीवाश्म ईंधनों का कंजम्पशन कम हो सके, इसका टारगेट था। इसके लिए आप इसमें सरकार ने बोला कि जैव ईंधन के अंतर्गत बायो एथेनॉल आएंगे, बायो डीजल आएंगे, बायो सीएनजी आएंगे, ये तीनों जैव एथेनॉल है। तो हम जो बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं, बायोफ्यूल तो क्या है, वो फ्यूल जो अकॉर्डिंग टू इको फ्रेंडली हो, जो कार्बन जो प्रकृति के अवशिष्ट है उनसे मिलकर बना हो, और उसमें जैसे बायोएथेनॉल भी होता है जो एथेनॉल प्रोडक्ट से बनता है, बायोडीजल, बायो सीएनजी, ये सभी होते हैं। इसमें बोला 2000 इसको कार्बन कैसे किया जाएगा, 2020 में एक राष्ट्रीय बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, जो आपको बताया उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्षता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री करता है। ये कोऑर्डिनेशन क्या करते हैं कि अलग अलग मिनिस्ट्रियों में कोऑर्डिनेशन करेगी ताकि बायोफ्यूल कार्यक्रम को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। एफसीआई के साथ मिलकर काम करेगी, तेल विपणन कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगी, ठीक है। और हाल ही में संशोधन क्या किया गया, हाल ही में संशोधन में कहा गया कि जैव ईंधनों को अधिक फीड स्टॉक यानी कच्चा माल को, कच्चा माल के पहले लिमिटेशन थी कि ये यूज कर सकते हैं, उनको विस्तार कर दिया गया। इसको बोला है कि मेक इंडिया कार्यक्रम में फोकस करो, जैव ईंधन निर्यात से संबंधित एक निर्यात नीति बनाओ, उसके बारे में कुछ चीज़ें इसमें संशोधन की गई। और संशोधन क्या किया गया, इसके बाद 3 पीढ़ियों में जैव ईंधन का वर्गीकरण किया गया है, और व्यवहार पर ये ज़्यादा हुए हैं नहीं, इसको एक बार देख लेना, ये ज़्यादा देख लो, ये काम करेंगे आपको। अब ये देखना है ये वाला कि बायोफ्यूल के लिए जो कच्चा माल हम यूज करते हैं उसकी 4 जनरेशन, वो 4 जनरेशन देख लेते हैं, और उन 4 जनरेशन में अलग अलग प्रकार का जैव ईंधन हो जाएगा। जिस प्रकार के कच्चे माल से आप उत्पादन करोगे उसी प्रकार का जैव ईंधन। जैसे पहली सीढ़ी इसमें यह है कि खाद संबंधी स्रोत जैसे शर्करा स्टार्च जो अक्सर लोगों के पशुओं और एक खाद स्रोत के रूप में यूज किए जाते हैं, उनसे यदि आप इथेनॉल के रूप में यूज करोगे, उनसे आप अगर जैव ईंधन बनाओगे तो वो आएगी पहली सीढ़ी के जैव ईंधन। दूसरी बात है सेलुलोसिक वाले जैव ईंधन, जिसमें मुख्य रूप से आप कह सकते हैं गैर खाद्य वाले, इसमें आएंगे खाद्य वाले, इसमें आएंगे गैर खाद्य। गैर खाद्य मतलब कृषि का अवशिष्ट बच गया, कोई लकड़ी का बुरादा, कोई फसल का बुरादा बच गया, इसमें तो खैर खाद्यान ही आएंगे जैसे चीनी, सोयाबीन, चावल का वो बच गया। तीसरी में क्या है जो अलगल जैव ईंधन है, विशेषकर आप कह सकते हैं जैसे शैवाल है, जलीय फीड स्टॉक है उसके बाद। और चौथी में हुए कि ऐसे जीव जैव जो माइक्रो होते हैं जीव, जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उनको आप स्पेशली उनको जैसे आपने कोई जीव लिया उसके जीन में चेंज किया, जीव ने चेंज करके उसको ऐसा बना दिया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बायोफ्यूल प्रोडक्शन हम कर सकें, तो वो होता है आपके चौथे प्रकार, चौथी पीढ़ी का बायोफ्यूल। तो इस तरीके से बोला कि भारत में जब पहली पीढ़ी का बहुत ज़्यादा है तो इसको यूज भारत को ज़्यादा करना चाहिए। आप सभी जानते हैं मई 2022 में हम 9% का टारगेट प्राप्त कर सकें, और 2000 जो है हमारे 22 में इसमें ऑब्वियसली टारगेट रखा था और फिर 10% या मतलब इसकी समथिंग जिसको हमने अचीव कर लिया। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, इसको बात थोड़ा सा देख लेते हैं बायो एनर्जी के बारे में। बायो एनर्जी मुख्य रूप से बायो प्रोडक्टों पर डिपेंड होगी, ठीक है ना। तो हाल ही में नवी और नवीनीकरण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत वो अनुसूचित किया है, और ये कार्यक्रम यह है कि 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक रहेगा, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 858 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए जाएंगे जैव एनर्जी के। अब थोड़ा सा क्या देखना है, इसके अंदर 3 योजनाएं नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के अंतर्गत हम 3 योजनाओं पर फोकस कर रहे हैं, वो आपको देखना है थोड़ा सा कि उन योजना के उद्देश्य क्या है और योजना क्या क्या काम करेंगे, उनसे लाभ क्या है। पहली योजना है अवशिष्ट ऊर्जा, भाई अवशिष्ट है जैसे शहरी क्षेत्रों में अवशिष्ट बच जाता है, जब ड्रेनेज सिस्टम का अवशिष्ट हो, घरों का अवशिष्ट हो, दूसरा औद्योगिक क्षेत्रों से अवशिष्ट बन जाता है, कृषि से अवशिष्ट हो जाता है, उस अवशिष्ट से हम ऊर्जा बनाएंगे। पहला कार्यक्रम तो ये, इसका उद्देश्य ऑब्वियसली जो शहरी क्षेत्रों में जो अवशिष्ट है उससे आप विद्युत संयंत्रों के माध्यम से उससे आप सन गैस बनाएंगे, उससे आप ये काम करेंगे, ये आपका उद्देश्य है। चलाने वाली एजेंसी आपको पता है कौन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, वो इस पर क्या करेगी, काम करेगी। आप सभी जानते हैं इरिडा 1983 में स्थापित की गई एक मिनी रत्न एजेंसी थी, जो किसके अंदर आती है, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। विस्तार क्या किया, अवशिष्ट ऊर्जा संयंत्र को सफल बनाने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता तथा कार्बन निरीक्षण के लिए जो एजेंसियों को सेवा शुल्क प्रदान की गई, मतलब ऑब्वियसली कुछ फाइनेंशियल सपोर्टिंग इसमें की गई। लाभ तो सेम ही है, ऑब्वियसली अवशिष्ट का प्रबंधन होगा और ग्रीन हाउस एमिशन कम होगा और स्वच्छ ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसके अलावा बायोमास, बायोमास कार्यक्रम के अंतर्गत यह है कि जैसे आपके जो भी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट है, विनिर्माण प्रोडक्ट है और उनके बाई प्रोडक्ट है, उनसे आप ऊर्जा का उत्पादन करें। इसमें आप देख सकते हैं जैसे औद्योगिक बायोमास
प्लैनेट्स, विनिर्माण प्लैनेट, संयंत्र, बायोमास में गैर कोई जैसे उत्पादन वाले हैं उसको, इसको भी इरिडा के द्वारा, मतलब इरिडा जब की एजेंसी है उसी के द्वारा इसको भी कार्यान्वित किया जा रहा है। और इसमें वही बेसिकली कि आप इन संयंत्रों का यूज करेंगे, इसमें बेसिकली पराली दहन जैसी घटनाओं कम आएगी, किसानों की इनकम है वो बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा है आपका बायोगैस। बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत ये था कि जो भी लघु ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जो बायोगैस संयंत्र लगाए जाएंगे, जैसे घरों में किसी को बायोगैस की जरूरत, मतलब ऊर्जा की जरूरत है, तो अपना लेवल पर एक पावर प्लांट लगा लेंगे बायोगैस के लिए, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम करेंगे और लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे। इसके लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करेंगे जिसके अंदर बायोगैस ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इरिडा नवाडा आरबीआई द्वारा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से PIA यानी कि कुछ जो कार्य प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, उनको क्या दिया जाएगा, उनकी परामर्श से उपरांत, मतलब किसी भी वित्तीय संस्थान भी PIA से परामर्श के उपरांत से लागू करेंगे। बायोगैस क्या है कि इसमें बेसिकली जो उपयोग करता है वो बायोगैस संयंत्र लगाए, और बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए इसमें जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट एजेंसी है या बायोगैस विकास संस्था है उनके द्वारा एक कार्यक्रम लागू किया जाएगा और उनको जो फंडिंग है उनके लिए इन तीनों से बात करनी पड़ेगी। इसमें क्या होगा, व्यक्तिगत उपयोगकर्ता है जैसे किसान है, कुक्कुट पालन है, वो प्रतिदिन घन मीटर से इतने घन मीटर तक बायोगैस क्षमता उत्पादन वाले संयंत्र लगा सकते हैं। इससे ग्रीन हाउस गैस वो कम होगी, स्वस्थ ऊर्जा बढ़ेगी, लोग अगर प्लांट लगाएंगे तो रोजगार बढ़ेंगे, लोगों को पैसा मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, इसके फायदे। इसके बाद है PM कुसुम योजना, जो बहुत पुरानी योजना है, काफ़ी दिनों पहले इसको चलाया गया, ठीक है, इसमें कुछ नया चेंज हुआ है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली मैं सबसे पहले आपको बेसिकली बताता हूँ, PM कुसुम योजना एक बहुउद्देशीय योजना है जिसके अंतर्गत यह है कि जैसे कोई बंजर भूमि है, बंजर भूमि पर हम सोलर प्लांट लगाएंगे, सोलर ग्रिड लगाएंगे, प्लांट से ऊर्जा जनरेट होगी, ग्रिड से ऊर्जा स्टोर होगी, स्टोर ऊर्जा को किसान या तो अपने लिए यूज कर सकता है या उसको बेच सकता है। तो कुल मिला के था कि किसान को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया गया था उसका नाम था PM कुसुम। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एक चीज चेंज की, केंद्र सरकार ने PM कुसुम योजना के सुधार के प्रदर्शन के लिए सौर ऊर्जा जनरेटर घटक ए में शामिल परफॉर्मेंस बैंक गारंटी खंड को हटा दिया। अभी मैं इसको बताऊंगा क्या है, ठीक है, घटक ए, घटक बी और घटक सी, इसके तीन पार्ट, ए बी और सी, इस PM कुसुम योजना के तीन पार्ट। पार्ट फर्स्ट को देखते हैं, सबसे पहले विकेंद्रीकृत ग्राउंड पर इसमें पावर प्लांट लगाने की बात, ग्रिड, यह है ग्रिड लगाएंगे, ठीक है, इसमें क्या है कि सोलर पंप लगाएंगे घटक बी, और इसमें यह है फीडर लगाएंगे, जो सौरीकरण या कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए उसमें शुरू किया जाए। अब मान लें ग्रिड के लिए जो फंड चाहिए उसमें अगर किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, पहले उसमें फाइनेंशियल चीज़ों के लिए बैंक से उसको परफॉर्मेंस, बैंक में लोन लेने के लिए उसको परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ती थी, उसी प्रोविजन को हटाया है अभी कि घटक ही अर्थात ग्रिड इम्प्लीमेंट करने के लिए, ग्रिड कनेक्टिविटी करने के लिए, रिन्यूएबल पावर प्लांट लगाने के लिए अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो उसमें परफॉर्मेंस बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, यही करंट में चेंज किया है, ठीक है। PM कुसुम योजना को सभी जानते हैं, ये नवीनीकरण मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी। इसकी एजेंसी कौन है, तो आप सभी जानते हैं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की राज्य नोडल एजेंसियां तो केंद्र शासित प्रदेशों में इसके साथ काम करेंगी। उद्देश्य है कि किसानों को ऊर्जादाता के रूप में कन्वर्ट करना, और साथ ही भारत ग्रीन हाउस गैस है उसमें जो क्लाइमेट चेंज है उसमें भारत का जो टारगेट है INDC के अंतर्गत उसमें भी भारत की क्षमता बढ़ाना, क्योंकि आप सभी जानते हैं INDC इंटीग्रेटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत भारत का ये था कि 2030 तक भारत अपनी 40% ऊर्जा किससे करेगा, गैर जीवाश्म ईंधनों से अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी से, उसमें ये सहयोग करेगी। लक्ष्य इसके अंदर दिया कि 2025-30 तक 30.8 ऊर्जा क्षमता इसको बढ़ाना है, ठीक है। इसके घटक मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, ये घटक है इसके तीन, ठीक है, इन घटक को एक बार गोथ्रू करना, जो मैंने बताया आपको वही घटक है, जो ऊपर ABCD आपको समझाए थे वो है, इनसे बस एक बार गोथ्रू करना, ठीक है ना। जैसे घटक ए, घटक ए में मैंने ऑलरेडी बताया कि घटक ए में उसको पावर प्लांट लगाने की बात है, इसमें कौन कौन किसानों को, सहकार समिति, पंचायत, किसान, ये सभी बंजी भूमि पर 500 मीटर से 2 मेगावाट तक के ऊर्जा संयंत्र यहाँ लगा सकते हैं,
और इन्हें नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक कहा जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर इनको कहा जाएगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर करेंगे। 500 किलोवाट तक की छोटी परियोजनाओं के लिए इन्हें किसी प्रकार की अनुमति लेने की अब जरूरत नहीं है पर्यावरण से, और ये इसके तहत ये विद्युत वितरण कंपनी है वो इनसे खरीदेगी, ध्यान रखना। और ये 6 लाख रुपये मतलब 40 रुपये प्रति यूनिट की दर से 5 वर्षों के लिए रिन्यूएबल एनर्जी खरीद का प्रदान किया जाए, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो जो कंपनी है डिस्कॉम यानी डिस्ट्रीब्यूट करती है एनर्जी को, इनसे खरीदेगी ताकि किसान उसका उत्पादन कर सकें। घटक बी में आप स्टैंड अलोन सोलर पैंप लगाएंगे, ठीक है, और घटक सी में आप फीडर लगाएंगे। तो 15 लाख व्यक्तिगत किसान फीडरों की सहायता से सौरीकरण उसको चेंज किया जाएगा। इसमें 70% है उस पर लागत सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, सॉरी 30% फंड है इसमें जो फीडर लगाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट देगी, 70% है उस पर कौन देगी, राज्य। बेसिकली ये चीज़ें। इसके अलावा सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए क्या क्या चीज़ चल रही है वो आपको थोड़ा सा एक बार देखना है। थोड़ा सा सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर पार्क ऊर्जा विकास से संबंधित योजना है। हाल ही में आपको पता है 57 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई और इन टोटल सौर पार्कों का कुल क्षमता 39 है। सौर पार्क आप ऐसे हैं वो पार्क जहाँ पर स्पेशली बड़े प्लांट लगाए जाते हैं जो सोलर एनर्जी को डेवलप करेंगे, है ना, उसके लिए। तो सौर पार्क और अल्ट्रा सौर पार्क, ये दोनों सोलर पार्क है, सौर पार्क थोड़ा छोटा होता है, अल्ट्रा सौर पार्क बड़ी मात्रा में बड़ा होता है इसमें, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। तो यह मंजूरी सौर पार्क और अल्ट्रा सौर पार्क योजना के लिए दी गई। मंजूरी के बावजूद इन सौर पार्कों में 10 गीगावाट की सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों को भी चालू किया जाएगा, ये छोड़ो। आपको ये देखना है कि 2000 नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय 2014 से ही सोलर पार्क है या अल्ट्रा सोलर पार्क है, इन पर काम कर रहा है। 2014-15 के अंतर्गत उसने 5 वर्षों में 20 मेगावाट से अधिक काम किया है, इसके लिए उसने एक सोलर पार्क डेवलपर एजेंसी का स्थापना की गई और उससे संबंधित प्रोजेक्ट चला रहा है, वो आपके जा रही है। ये थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। भारत में 175 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया, ये भी ज़्यादा काम करिए बस, है ना, इसको एक बार देख सकते हैं कि सोलर पार्क को दे रहा है, बाकी ज़्यादा एक काम का है नहीं है कुछ। ऑर्गेनिक सोलर सेल्स क्या है? IIT खड़गपुर के द्वारा इस बात के ऊपर कार्बनिक परत चढ़ा करके हम कार्बनिक सोलर सेल विकसित किए हैं इस बात की तरफ से, जिससे कि फोटोवोल्टिक तकनीक है, TCPD के सोलर सेल्स होते हैं। इससे यह कि बहुत बड़ा कवर होता है, मैन्युफैक्चरिंग लागत कम होती है और ये फोटोवोल्टिक है ऊर्जा को ज़्यादा मात्रा तक क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक सोलर सेल्स को नहीं डेवलप किया किसने की IIT कानपुर में। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट गो थ्रू जरूर। ये ध्यान रखें भारत की सबसे बड़ी 33 सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो यहाँ पर पता है राष्ट्रीय थर्मल पावर प्लांट NTPC के द्वारा फ्लोटिंग सोलर पार्क लगाया तेलंगाना के रामगुंडम में, लगाया तेलंगाना का रामगुंडम। इसके अलावा घर के ऊपर सोलर हम सभी जनता रूफटॉप, हाल ही में हमारे मिनिस्टर ने बोला है कि भाई हर घर के ऊपर एक रूफटॉप होनी चाहिए, तो रूफटॉप पे सोलर प्लांट लगा, वहीं से ऊर्जा जनरेट करो, उसको यूज करो, स्पेशली Tier 2 और Tier 3 जो छोटे शहर हैं उनमें हर घर के ऊपर व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए लोगों में जागरूकता उत्पन्न करो और जो सोलर पैनल लगाएंगे 40% सरकार छूट देगी, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा देख। अगला है इन्हीं से संबंधित विद्युत नियमावली 2022, यानी कि ग्रीन ऑपर एक्सेस के माध्यम से नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित कुछ नियमावली लेके आए हैं, उसके बारे में विद्युत मंत्रालय के द्वारा उसको नोटिफाइड किया है। नई नियमावली क्या है, नियमावली में क्या क्या प्रोविजन है वो थोड़ा सा एक बार जरूर देख रहे हैं, उसके नियमावली के कुछ प्रोविजन का स्टेटमेंट आपसे उठा के पूछ। पहला है उपभोक्ता डिस्कॉम से हरित ऊर्जा कि आपूर्ति की मांग करने का हक दोहराऊंगे, जैसे मान लो मैं कंज्यूमर हूँ और डिस्ट्रीब्यूटिंग कोई कंपनी जो मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, मैं उससे बोलूँ भाई मुझे ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड, ग्रीन एनर्जी मतलब आप मुझे वो इलेक्ट्रिसिटी लगाओ जिसको आप रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में प्रोड्यूसर करते हैं। दूसरी बात वो हकदार होंगे। वाणिज्यिक उद्योग औद्योगिक उपभोक्ता है वो स्वेच्छा से हरित ऊर्जा खरीदने की अनुमति होगी। अगर मान लो मेरी इंडस्ट्री है और मुझे भी क्या चाहिए भाई, मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करता हूँ लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी में मेरी कार्बन एमिशन में आती है, तो मैं कार्बन इंस्ट्रूमेंट को कार्बन क्रेडिट में कन्वर्ट करने के लिए मैं ग्रीन एनर्जी खरीद सकता हूँ, तो उसको परमिशन होगी। हरित ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस होगा, 1 मेगावाट से 300 मेगावाट तक आप कहीं पर छोटे उपभोक्ता भी डायरेक्टली इसको खरीद सकते हैं। मतलब ये नई नियमावली आई है, ऐसा प्रोविजन उसमें किया गया ताकि ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके अलावा अगर मान लें अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है तो 15 दिन प्रदान किया जाएगा, पर और ऐसा नहीं है कि तकनीकी आवश्यकताओं के पूर्व अनुमोदन माना जाएगा, राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आप अनुमोदन ले सकते हैं।
आपको वितरण लाइसेंस दायों के द्वारा समान नवीनीकरण दायित्व पूरा लागू होंगे वैध संस्थाओं पर, जो डिस्कॉम कंपनियां हैं आप सभी जानते हैं ये होते हैं नवीनीकरण, इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस ऑब्लिगेशन, आरपीओ बोलते हैं। आरपीओ का मतलब होता है जो डिस्कॉम्स कंपनी होती है जो बिजली का वितरण करती है उनको अपने एक निश्चित अनुपात रिन्यूएबल एनर्जी का ही देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली उनके लिए तो अच्छी बात है कि अगर ग्रीन एनर्जी है तो वो इस नवीनीकरण दायित्व को पूरा कर पाएंगे क्योंकि ग्रीन एनर्जी की चीज़ों को यूज करेंगे। इसके अलावा अगला है, यदि हरित क्रांति का ग्रीन हाउस अमोनिया के उत्पादन के लिए ये ज़्यादा ध्यान होगा, उस पर किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं लगनी चाहिए। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल, ये पोर्टल है जो बिजली मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी उपभोक्ता जाएगा और ग्रीन एनर्जी के लिए अपनी चीजें डिमांड करेगा, उसको ले सकता है किसी की मदद। इसके अलावा अदर अल्टरनेट एनर्जी सोर्स, जैसे एक है कोल बेड में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ये कई बार अलग अलग तरह की चीजें यहाँ से पूछी जाती है किस तरह की नई एनर्जी के स्रोत हैं। एक होता है कोयल वेड मीथेन। कोयल वेड मीथेन एक्चुअली में क्या होता है, कोई कोयले की खदान है, कोयले खदान है, वह कोयले खदान में से ही मुख्य रूप से वहाँ जल है, वो जल निकाला जाता है, जल के माध्यम से उनको फिल्टराइज किया जाता है, फिल्टर के माध्यम से पाइप लगा के मीथेन है उसको निकाला जाता है। तो एक्चुअली में यही होती है कोल वेड मीथेन, जो मुख्य रूप से जैसे ये कोयला है आपका, इधर यहाँ जल है, समरसेल के माध्यम से जल ये इधर इसको मतलब इस तरह फिल्टर करता है, इधर से मीथेन ले जाएगी, जैसे जल निकल तो कोयले की खानों से निर्मुक्त होने वाली जो मीथेन होती है उसे बोलते हैं कोल बेड मीथेन। तो कोयला मंत्रालय ने कोयला खनन में की जा चुकी भूमि के उपयोग, अब मतलब कोई भूमि जिसको कोयला माइनिंग के लिए यूज कर लिया, अब वहां से कोयला निकाल लिया, उसके बावजूद भी उसका वहां पर मतलब उसकी खनन बची हुई है, तो उसकी लेयरों से हम क्या कर सकते हैं, मीथेन का निष्कर्षण कर सकते हैं, मीथेन को निकाल सकते हैं। इसलिए उन क्षेत्रों में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आपको कोयल बेड मीथेन के प्लांट लगाने की अनुमति अभी दी गई। कोयल बेड मीथेन प्राकृतिक गैस के परंपरागत कोयले के भंडारों के स्रोतों पर पाता है, इसमें कोयले बनने और प्राकृतिक मतलब कोयले का बनने और प्राकृतिक वनस्पति में बदलने की प्रक्रिया के बीच में ही ये मीथेन बनती है, और इससे कोयला जब जल के साथ मिल जाता है और जब ये दोनों मिलके कोयला संस्थानों को अवरुद्ध कर देता है तो उससे कोयला बेड मीथेन बनती है। इसका उपयोग आप ईंधन के रूप में कर सकते हो, सीएनजी के रूप में कर सकते हो, उर्वरक उत्पादन कर सकते हो, औद्योगिक उत्पादन कर सकते हो, सीमेंट में रोलिंग में इनमें इसका यूज किया जा सकता है। यूज जरूर देख लेंगे यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसके लिए बहुत फोकस कर रहा है, जो भी इसने दिशा निर्देश दिया है वो इन दो आधार पर दिया है, एक जो तेल अधिनियम 1948 और एक पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जो 1959 के अंतर्गत उसने कहा है, क्योंकि जो खदान आप यूज कर चुके हो उस खदान से अगर आप पानी डाल करके कोयला बेड मीथेन बना सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा भूतापीय जियो थर्मल एनर्जी, आप सभी जानते हैं प्राकृतिक गैस तेल गैस आयोग ने भूतापीय ऊर्जा से उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करेगा, इसके लिए आयोग ने पूगा में अपना कुआं खोदना चालू कर दिया। आप सभी जानते हैं ग्राउंड वाटर पर जो गर्म वाटर आता है, जैसे कई जगह आपने देखा हो बहुत तेज गर्म वाटर आता है, उस गर्म में जो जल है उस जल से वो भाप में कन्वर्ट करके और उससे आप क्या कर सकते हो, टर्मिनल चला सकते हो और उससे फिर आप ऊर्जा जनरेट कर सकते हो, उसे बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। लाभ तो आप सभी जानते हैं, कार्बन इमिशन कम होगा, रिन्यूएबल एनर्जी होगी और आराम से चीज़ें हो सकती हैं। चुनौती क्या है कि ये नॉर्मली हर जगह नहीं होता, कुछ जगह ही होता है जहाँ पर गर्म वाटर निकलता है। फिर इसके अलावा थोड़ा बहुत इससे SO2 का इमिशन होता है, थोड़ा ऑपरेशन कॉस्ट इससे ज़्यादा होती है, और आपको पता है भूकंप के झटके हो सकते हैं क्योंकि आप इसमें गहराई तक खड्डे खोलेंगे वो चीज़ें, ठीक है ना। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बोला है कि भारत में 300 भूतापीय हॉट स्प्रिंग है। भारत में ऑब्वियसली हॉट स्प्रिंग अरुणाचल प्रदेश में एक हॉट स्प्रिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, जो गर्म पानी वहाँ झरने से निकलता है, हॉट स्प्रिंग ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखो हॉट स्प्रिंग के लिए लद्दाख में भी है, गुजरात में खंबात है, छत्तीसगढ़ में ताता पानी है, तेलंगाना में खम्बन और महाराष्ट्र में रत्नागिरी, ये मुख्य हॉट स्प्रिंग के क्षेत्र। भूताप ऊर्जा के लिए अलग अलग संयंत्र लगाते हैं, एक तो है ड्राई स्टीम, यानी कि आप टर्मिनल पे स्टीम घुमाओ मतलब उसमें से टर्बाइन है वो घूमेगा और उससे ऊर्जा मिल जाएगी। एक है फ्लैश स्टीम, इसमें भाप उत्पन्न कर दो, ठीक है ना, उससे कर दो। एक बाइनरी, इसमें गर्म जल से ऊर्जा ऊष्मा के दूसरे तरल में रूपांतरण करने की प्रक्रिया जो भाप में बदल जाती है, इसको एक बार देख लेना बाइनरी चक्र, ठीक है ना, इतना ही है इसमें और कुछ नहीं। अगला है आपका बायोमास का को फायरिंग, शहद है बायोमास। तो हाल ही में एक समर्थ मिशन चलाया, ये ध्यान रखना, समर्थ मिशन किसने चलाया, सरकार ने,
जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग की पर। राष्ट्रीय मिशन चलाया गया 2021-22 में 8 संयंत्रों पर चलाने वाली थी और इनकी संख्या दुगनी हो गई। अब क्या है बायोमास को फायरिंग करते हैं कोयले से संचालित संयंत्रों में, जैसे जहाँ कोयला भी चल रहा है वहाँ साथ साथ बायोमास भी चल रहा है। कोयला जीवाश्म ईंधनों से बनेगा, एनर्जी बनाएगा और हम यहाँ से बायोमास से कराएंगे। इसमें यह है कि आप एक तो कोयले में प्रत्यक्ष रूप से आप बायोमास को यूज कर सकते हो, एक इंडायरेक्ट रूप से कर सकते हो यानी कि उसको मिला करके, और एक उसमें समानता, समानता मतलब यहाँ भी कोयला प्लांट लगा दे, यहाँ बायोमास लगा दिया, इससे उसे उत्पन्न करिए, इस तरीके से करेंगे कि इससे एक तो लागत कम आएगी अधिक से अधिक उसका यूज हम कर सकते हैं। अगला है ग्रीन मेथनॉल, तो एनटीपीसी के द्वारा और टेक्निमोट एक कंपनी है इटली की, उसके साथ मिलकर के एक समझौता किया है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में वाणिज्यिक पैमानों के लिए मेथनॉल का ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज करना है। आप सभी जानते हैं मेथनॉल ग्रीन हाउस गैस उसमें बहुत कम इमिशन होता है, ठीक है ना, और इसका उपयोग हम कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, रासायनिक के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रीन हाउस गैस है उसको कम कर सकें। सीबी यानी कि कंप्रेस बायोगैस, कंप्रेस बायोगैस का अभी ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक मंत्री के द्वारा पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा एक प्लांट लगाया, ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना प्री का, कि केंद्रीय प्राकृतिक गैस मंत्री के द्वारा एक प्लांट लगाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया प्लांट का, और वो है पंजाब के संगरूर में। पिछली बार यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछे कई ऐसी चीजें, इसलिए आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अब बात आती है कि कंप्रेस बायोगैस आखिरकार होती क्या है। कंप्रेस बायोगैस कुछ नहीं, ये बेसिकली आपके अपशिष्टों से प्राप्त की जाती है, अपशिष्टों में दवा के माध्यम से ये मुख्य रूप से प्राप्त की जाती है। सरकार द्वारा इसके लिए मुख्य रूप से सस्ते में अर्बन टूबार्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट यानी सतत योजना को भी शुरुआत किया गया था। सतत योजना आपके CBG से संबंधित है, ऑब्वियसली आप पराली दे रहे हैं उनको, पराली है उनको मुख्य रूप से कंप्रेस करो, उनको बायोमास में कन्वर्ट करो, उससे ऊर्जा उत्पन्न करो, पराली दहन कम हो जाएगा, खेतों में जैविक ईंधन के रूप में मदद करेगा, किसानों को उससे रोजगार मिल जाएगा। इसके बाद आती है CNG, तो गुजरात के भावनगर में ये प्रधानमंत्री द्वारा ध्यान रखना सबसे बड़ा, गुजरात के भावनगर जिले में विश्व के सबसे पहले CNG टर्मिनल और ब्राउन फील्ड पोर्ट की स्थापना की है। ब्राउन फील्ड पोर्ट आप सभी जानते हैं, ब्राउन फील्ड पोर्ट का मतलब है पोर्ट पहले चल रहा था उसमें कुछ नया इन्वेस्टमेंट और किया जा रहा है, और स्पेशली इसमें CNG टर्मिनल डेवलप किया गया है स्पेशली अलग से। इस पतन बेस का सबसे बड़ा CNG टर्मिनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर 2026 से आरंभ होगा, PPP मॉडल पर आधारित है, क्षमता एक 1.5 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कर सके, आगामी इसको रेलवे से कनेक्टिविटी करेंगे, चीजें हैं। वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन, ये भारत क्या कर रहा है, क्योंकि भारत में बड़ी मात्रा में ऑफशोर जो वाइल्ड एनर्जी से हम ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं तटीय क्षेत्रों में, आप सभी जानते हैं भारत के तटीय क्षेत्र में, और तटीय क्षेत्रों में भारत में हवाएं बहुत तेजी से चलती है, वहां से आप टरबाइन घुमा करके बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन कर सकते हो, तो उसी के लिए भारत ने कई देशों के साथ जहां ये अच्छा काम हो रहा है उनके साथ एक अलायंस बनाया है और उसका भारत सदस्य है। कॉलम इसमें ग्लोबल ऑफशोर वाइंड अलायंस, इस अलायंस में मुख्य रूप से 9 देश है, पूरे 9 नए देश इसमें शामिल हुए हैं, बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, ये देश इसमें शामिल है, भारत भी इसमें शामिल है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकारों द्वारा मिलकर के तेज गति से ऑफशोर जो वेव है उनको बढ़ावा देने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी, और उसके लिए टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट आपस में करेंगे। 2030 तक और क्षमता प्रतिवर्ष कम से कम 70% गीगा की वृद्धि हमें करेंगे। 2030 तक न्यूनतम हर देश 380 गीगावाट के लिए कम से कम अपतटीय ऊर्जा का उत्पादन करेगा, इसी के लिए अलायंस इसको बनाया गया, इसमें भारत है, ओलंबिया है, बेल्जियम है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यहां से क्वेश्चन इसी तरीके से इसमें बन सकते हैं बेसिकली। आगे इसमें ऊर्जा एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए, ऊर्जा दक्षता के लिए तो एक तो हमारी ऊर्जा का स्रोत की ऊर्जा का स्रोत रिन्यूएबल होना चाहिए, वो तो हमने ऊपर पढ़ लिया। एनर्जी एफिशिएंसी जो ऊर्जा हम यूज कर रहे हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, वेस्टेज ऑफ एनर्जी कम हो, है ना, उस तरीके से हम ऊर्जा घरों को बनाए जिसमें ऊर्जा की जरूरत कम हो, तो उसी पार्ट में हम डिस्कशन करें। एक सबसे पहले है ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2000, अभी ये अधिनियम है, ये हाल ही में आपको पता लागू हुआ है, तो हो सकता है यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि जो लागू हो चुका होता है उससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। सबसे पहली बात है
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 जो संशोधन लागू किया गया, ऑब्वियसली संशोधन है तो इसका मतलब मूल संविधान होगा, कोई मूल एक्ट होगा, तो उसको देखते हैं। 2001 में ऊर्जा संरक्षण का एक्ट आया था, ध्यान रखना 2001 में, और जब भी आप कोई संशोधन पढ़े तो देखो कि पहले क्या था और अब क्या किया, वही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2001 में था, इसका टारगेट क्या था, ऊर्जा की खपत को विनियमित करना, ऊर्जा की दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना, ये था 2001 के एक्ट। लेकिन 2022 में इसने बोला कि ऊर्जा की दक्षता और खपत में हम ध्यान देंगे देंगे, इसके साथ साथ पर्यावरण की रक्षा और जलवायु परिवर्तन से भी निपटने के लिए हम पूरी तरह काम करेंगे, अर्थात इसके कार्य क्षेत्र को थोड़ा विस्तार किया गया। जैसे पहले था कि लाइट चोरी ना हो जाए, ये था पहले, ठीक है, इसके अलावा लाइट बिजली की सप्लाई सही ढंग से, अब ये था कि देखो आप ऊर्जा सॉरी उसमें रिन्यूएबल एनर्जी की बात करो, उसमें इको फ्रेंडली बात करो, पर्यावरण की उन चीज़ों पर उसमें हम फोकस करेंगे, तो इसलिए इसका एक दायरा बढ़ा गया, एक अंतर तो उसमें। अब इस अधिनियम की बात करते हैं, इस अधिनियम में क्या क्या चीज़ें नहीं जुड़ी गई। पहला, इस अधिनियम में एक प्रोविजन जोड़ा गया है आपका कार्बन क्रेडिट व्यापार। केंद्र सरकार कार्बन क्रेडिट व्यापार संबंधित योजनाएं बनाने का पूरा अधिकार किसके पास है, इसमें केंद्र सरकार। कार्बन क्रेडिट आप सभी जानते हैं परमिट होते हैं, जैसे मान लो मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका, ए और बी कंपनी है, ए अगर कार्बन का इमिशन ज़्यादा कर रही है और बी कम कर रही है तो इसको क्रेडिट मिल जाएगा, ये क्रेडिट को बाई कंपनी को भी बेच सकता है। तो कार्बन क्रेडिट मुख्य रूप से परमिट होता है, जिसको क्रेडिट मिलता है उतनी वो CO2 इमिशन कर सकता है, उसको उत्सर्जन का अधिकार होता है। केंद्र सरकार अन्य एजेंसियों के माध्यम से पंजीकृत संस्था अनुप्रदान करने वाली संस्था को कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट जारी कर सकती है, कौन, केंद्र सरकार। ध्यान रखना ये पावर किसके पास है, केंद्र सरकार की, तो कन्फ्यूज मत होना, स्टेट के पास ये पावर नहीं। तो एक तो इस एक्ट में कार्बन क्रेडिट का जो व्यापार उसकी बात की, दूसरा गैर जीवाश्म ईंधनों से ऊर्जा स्रोत को बढ़ाने की बाध्यता की, सॉरी गैर जीवाश्म स्रोतों से, इसमें फोकस किया कि देखो ऊर्जा उत्पादन करो लेकिन किससे, रिन्यूएबल एनर्जी से, और इसके लिए ऊर्जा खपत के मानक निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार ने 2001 में तो यह था कि केंद्र सरकार ऊर्जा खपत मानक निर्धारित करेगी, उसमें था। अब इसमें संशोधन के बोला है कि ऊर्जा खपत मानक नहीं, ऊर्जा की आप आपूर्ति है उस पर भी फोकस किया जाएगा, वो कैसे, गैर जीवाश्म ईंधन से, जैसे ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, इसमें और इस आपूर्ति हर कंपनी को जो डिस्कॉम कंपनी ने एक टारगेट डिसाइड किया, अगर कोई कंपनी टारगेट में फेल हुई, जैसे मैं बोलता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशन, है ना, जो RP है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन ऑब्लिगेशन, ये हर कंपनी को एक निश्चित अनुपात है वो रिन्यूएबल एनर्जी का देना है, अगर उसमें फेल होते हैं उसको 10 लाख का जुर्माना लगाया जाता है, ये 2001 के एक्ट में नहीं था। इसके अलावा भवनों के ऊर्जा संरक्षण संहिता 2001 में यह था कि 2001 में केंद्र सरकार ने ऊर्जा संरक्षण संहिता बनाई थी, संशोधन में किया कि ऊर्जा संरक्षण के साथ साथ संधारणीय भवन संहिता का भी प्रावधान किया है, तो थोड़ा सा हर चीज को ज्यादा विस्तार किया गया इसमें, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आप ऊर्जा दक्षता संरक्षण करेंगे साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी अन्य अनिवार्यता को भी पूरा किया जाएगा, तो इसमें मापदंडों को विस्तार किया गया। 2022 में 100 किलोवाट है उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाले कार्यालय ऑफिस आवास है उन पर यह पूरी तरह लागू होगी, और एक लोड सीमा राज्य सरकारों को इस लीड से लोड सीमा है, मतलब जैसे एक बिल्डिंग का कनेक्शन है उसमें कितनी लोड है उसकी कम ज़्यादा करने की जो शक्ति है उसका अधिकार राज्य सरकारों के पास है। वाहन और जल यानों की अगर बात करें, 2001 के एक्ट में ये था कि ऊर्जा का उपयोग उत्पादन ट्रांसमिशन आपूर्ति करने वाले उपकरण संयंत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानक थे केवल उनके लिए। अब यहाँ क्या है कि वाहन और जल यानों के लिए भी, जिसमें जहाज नावें, इनके लिए भी ऊर्जा की खपत के मानकों को ध्यान किया गया, अर्थात मोटर वाहनों को भी इसमें शामिल किया गया। स्टेट एनर्जी जो समिति है, जैसे बोलते हैं स्टेट एनर्जी रेगुलेटिंग कमीशन है, 2001 में स्टेट एनर्जी रेगुलेशन कमीशन को अधिनियम के तहत जुर्माने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार दिया था। 2022 में उसको अपने कार्यों को निर्वहन करने के लिए भी उसको अधिकार दे दिया गया, उसके अधिकारों को और विस्तार किया गया। इसके अलावा एक स्टेट एनर्जी और फंड की अगर हम बात करें तो राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है कि स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड होना चाहिए, ऊर्जा संरक्षण कोष, केंद्र राज्य सरकार दोनों इसमें योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा BBE की बात करें हम, गवर्नेंस काउंसिल 2022 में BBE गवर्नेंस काउंसिल के उसमें ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ाई है, उसको भी संशोधन किया है इसने। बेसिकली 2022 में बात ये थी कि हमें ऊर्जा को केवल बचाना नहीं है बल्कि ऊर्जा के संरक्षण को हमें संधारणीय भी करना है, उसी के लिए पूरी तरह इसमें विस्तार की बात की गई। 2010 में भी इस एक्ट को संशोधन किए गए, पहली बार 2010 में संशोधन किए गए, अर्थात 2001 के इस एक्ट में दो बार संशोधन हुआ, एक 2010 में एक 2022 में।
2010 में किया गया था, उसमें ये चीजें जोड़ी गई। एक तो भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण मानक होना चाहिए, एक ऊर्जा गहन नामित जो आपके कस्टमर है उसके ऊर्जा बचत व्यापार का समझौता, और एक इनके लिए विद्युत अपील अधिकरण द्वारा अपील की सुनवाई की जाएगी। तो ये दो चार चीजें 2010 में जोड़ी गई थी, बाकी इसमें 2022 में। 2022 का ये एक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्री का क्वेश्चन इसके स्टेटमेंट से बन सकती है, प्लीज इसको अच्छे से एक बार देख लें। आगे हम बढ़े इसमें, तो स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स, ये इंडेक्स अगर हम देखें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसको जारी करने वाली संस्था कौन है, तो नीति आयोग इसको जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग, और इसका पहला राउंड नीति आयोग के द्वारा भी जारी किया गया। इंडेक्स क्या करेगा? इस इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य है कि राज्यों की या यूटीज की, राज्य यूटीज की जलवायु तथा ऊर्जा सुरक्षा संबंधी उनके क्या प्रयास है, जलवायु संरक्षण और ऊर्जा की सुरक्षा संबंधी जो प्रयास करें उनको ट्रैक किया जाए। इसके लिए 7 मापदंड इन पे काम किया जाए, जिसमें सबसे ज्यादा जो भार है वो है डिस्कॉम का प्रदर्शन, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों का क्या परफॉर्मेंस है, उसके बाद ऊर्जा बहनता कितनी है, स्वच्छ ऊर्जा कितनी है, ऊर्जा एफिशिएंसी कितनी है, पर्यावरण स्थिरता कितनी है, और नई इनिशिएटिव कितनी चला रहे हैं, इन मापदंडों के आधार पर उस इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है ना, ये मापदंडों के आधार पर इंडेक्स को 3 श्रेणियों में जारी किया जाता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। श्रेणी फर्स्ट में होते हैं फ्रंट रनर, जिनकी परफॉर्मेंस में 46 से अधिक नंबर आते हैं उसका, उसको फ्रंट रनर बोले जाते हैं। इसको अचीवर्स, जिसमें 36 से 40 के बीच आते हैं, और जिसमें बोला है कि प्रॉस्पर, यानी कि जिसमें न्यूनतम स्थिति आती है। ये मुख्य रूप से जो 6 मापदंड है उनके आधार पर इसमें रैंक दी जाती है, 27 उपसंकेत हैं इन 6 मापदंडों के, और उनके आधार पर ये नंबर दिया जाता है। नंबर में जो 46 से अधिक नंबर पाने वाले जो देश है उनको, स्टेट है, उनको बोलेंगे बहुत तेज गति से फ्रंट रनर ना एडवांस, उनको बोलेंगे अचीवर। ठीक है ना, इसके अलावा एक तो स्कोर, इसके अलावा इसमें राज्यों को विभाजित किया गया। राज्यों कैसे? एक तो बड़े राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक छोटे राज्य, इनके आधार पर इनको परफॉर्मेंस दी गई है। जैसे आधे से अधिक राज्यों ने अपना स्कोर है उसको बढ़ाया है। समग्र बात करें तो शीर्ष स्थान पर चंडीगढ़ आता है और लक्षद्वीप सबसे खराब परफॉर्मेंस होता है। अगर बड़े राज्यों की बात करें तो केरल, गुजरात, केरल, पंजाब, और छोटे राज्यों में गोवा, त्रिपुरा, मंडल और केंद्र शासित प्रदेशों में ये पहली परफॉर्मेंस में आते हैं। बेसिकली नीति आयोग द्वारा जो भी रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें उसका स्टैंडर्ड यही होता है कि वो राज्यों को 3 भागों में बांटता है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरी। इसी प्रकार उनकी परफॉर्मेंस को भी 3 भागों में बांटता है, रनर्स, अचीवर्स और एक तरह से आपका स्टार्टर्स। तो ये इंडेक्स ये देखना है आपको थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा को लेकर के बहुत सारे इंडेक्स हैं, इनको जरूर देख लो एक बार, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा फ्री में आजकल यूपीएससी क्या है, 2 स्टेटमेंट या 2 क्वेश्चन आपके ऊर्जा से संबंध, मतलब आपके इंडेक्स से संबंधित पूछती है, और स्पेशली इंडेक्स तो बहुत ज़्यादा होती है, पर जो इंडेक्स करंट में रहती है हमें उस पर फोकस करना है। जैसे एक है वर्ल्ड एनर्जी ट्रेलेमा इंडेक्स, WETI, वर्ल्ड एनर्जी ट्रेलेमा इंडेक्स है इसको, जो आपको इश्यू करने वाली जो संस्था है इसका नाम है विश्व ऊर्जा परिषद, और यह है मुख्य रूप से किसी देश की ऊर्जा की सुरक्षा, उसमें ऊर्जा पर्यावरण के अकॉर्डिंग कितनी संधारणीय है उसको मापता है। भारत की अगर परफॉर्मेंस करें तो 127 कंट्री में भारत की 75 है, और टॉप 3 कंट्री आप जानते हैं ज़्यादातर स्वीडन, स्विट्जरलैंड और आपका डेनमार्क, ये आपके टॉप 1 है। तो एक आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें ऊर्जा प्रणाली के बारे में देखा जाएगा, पहले ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों से होती थी जैसे अब उसमें निर्मला सोचिए उसके बारे में, इसको WEF के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें भारत की स्थिति 87 है आउट ऑफ 115 कंट्रीज में, और टॉप 3 कंट्री है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। एक होती है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, ये मोलोसी, ये आपके अर्नेस्ट यंग के द्वारा जारी की जाती है। ये स्पेशली देखता है कि रणनीतिकरण, ऊर्जा, ऊर्जा आपूर्ति, इनमें सुगम की कितनी ईजिंग है, कि आप कितना ईजिंग से कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मतलब निवेश की कितनी ईजिंग है उसको देखने के लिए। भारत की परफॉर्मेंस इसमें बड़ी अच्छी है, 40 में से 30 नंबर पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, उसके बाद 3 नंबर पर इसमें इंडिया। इसके अलावा क्लाइमेट परफॉर्मेंस, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, आप सभी जानते हैं इसको, जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है।
इसमें अगर देखा जाता है, इसमें ये देखा गया कि 2030 तक जो क्लाइमेट चेंज की जो टारगेट है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति में उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि भाई क्लाइमेट चेंज के लिए किसी देश ने कितनी परफॉर्मेंस की है। भारत की परफॉर्मेंस में अच्छी है, टॉप 10 में है भारत, और डेनमार्क चौथा स्थान पर। इसमें क्या है, टॉप 3 में किसी भी देश को नहीं रखा जाता, क्योंकि जो इसके 100% टारगेट होता है उनको किसी ने अचीव नहीं किया, इसलिए उसको किसी ने नहीं रखा जाता। इसमें जो नंबरिंग होती है चौथे नंबर से चालू होती है, चौथे नंबर पर है डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, ठीक है ना। ये एक बार आप जरूर देख लें, थोड़ा सा इनसे 2 बार गणित, 2-3 बार इनसे गो थ्रू हो लेना, इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अदर एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो ये ज़्यादा है नहीं, इसको गो थ्रू हो लेना, कोई काम नहीं। एक सक्षम योजना 2022 देख लें, सक्षम योजना 2022 ये हाल ही में लॉन्च किया गया है मुख्य रूप से, और पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा ईंधन संरक्षण अभियान के तहत इसको 1 महीने तक चलेगा। ऑब्वियसली ये जो संस्थान है अपनी पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्थान, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, जिसका मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम संरक्षण अर्थात कि हम किस तरीके से तेल आधारित जो उत्पादन है जैविक ईंधन उत्पादन पर हम कम से कम डिपेंड हो सके, और रिन्यूएबल ईंधन या बायोमास पे हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, उस पर यह पूरी तरह काम करेगा। तो एक अभियान, ये अभियान है, एक कंपेन है, ये लॉन्च किया गया कि हम ईंधन का संरक्षण कैसे करें, उन चीज़ों पर कैसे ध्यान दें, उसके लिए ये पूरी तरह काम करेंगे, 1 महीने तक चलेंगे। अगला है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर को तो करो, क्योंकि आप सभी जानते हैं एग्रीकल्चर से भी ग्रीन हाउस गैस बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है, एग्रीकल्चर से आपका अपशिष्ट बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है, एग्रीकल्चर से आपका ग्राउंड वाटर है उसमें बड़ी सारी समस्या आती है, बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं आती हैं। इसलिए बोला कि एग्रीकल्चर को हमें यदि सस्टेन रखना है तो हमें एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रणाली को डेवलप करना होगा जो इको फ्रेंडली, कैसी हो, इको फ्रेंडली, ठीक है, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा, स्पेशली एग्रीकल्चर। अब आगे क्या, इसमें एक है आपकी प्राकृतिक कृषि और एक है आपकी जैविक कृषि, इन दोनों के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस पूरे। एक होती है नेचुरल फार्मिंग, क्या होती है नेचुरल फार्मिंग, एक होती है आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, फिर इस टॉपिक को पूरा हम पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। देखो जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि के बारे में थोड़ा सा इसको पढ़ लिया एक बार, आगे आइए पेजों पे, ठीक है। तो जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि की बात करें, दोनों में थोड़ी समानता तो है, समानता पहली यह है कि दोनों गैर रासायनिक तरीके रहते हैं, इसमें केमिकल्स कीटनाशक पेस्टिसाइड्स इनका हम यूज नहीं करते, एक दोनों में समानता है। दूसरा, इसमें कृषि पद्धतियों में विविधतावाद है, यानी खेत पर ही बायोमास का प्रबंधन किया जाता है, जैविक पोषक तत्व उनका रिसाइकलिंग किया जाता है, प्राकृतिक गैस में प्राकृतिक खेती में होते हैं कि जो खेत के अवशिष्ट है उनको वहीं पर दबाया जाता है, उनसे खाद किया जाता है और उन्हीं को खेत में यूज किया जाता है। दोनों में विविधता, फसल चक्रीकरण, संसाधनों का चक्रीकरण, इसमें फोकस किया जाता है, लेकिन फिर भी दोनों में टेक्निकली डिफरेंस है, वो हम देखते हैं। पहला, बायो मतलब ऑर्गेनिक खेती की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक खेती में खेत से बाहर के ऑर्गेनिक और जैविक आदानों का इसमें उपयोग किया जा सकता है। इसमें जरूरी नहीं कि आप खेत के अंदर ही कोई अवशिष्ट उन्हीं का यूज करो, आप बाहर से भी जीवाश्म ईंधन ला सकते हो, बाहर से भी आप बायो ईंधन ला सकते हो, बाहर से भी उनमें ऑर्गेनिक डेवलप कर सकते हो और उससे आप खेती कर सकते हो, ठीक है। जबकि प्राकृतिक खेती में आप बाहरी इनपुटों का यूज नहीं करते, उसी खेत में आप चाहे वहाँ बीज है उनका अवशिष्ट हो, चाहे गन जीवामृत हो, चाहे जीवामृत हो, खेती में जो ऑन फार्मिंग इनपुट्स है उनको यूज करते हैं, ठीक है, जो अवशिष्ट है खेती के ना उनको यूज करना है प्राकृतिक खेती। इस कृषि में खनिजों के उपयोग के माध्यम से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज कर सकते हैं, इसमें ध्यान रखना खनिजों का उपयोग एकदम मना है, इसमें खनिजों का बिल्कुल उपयोग नहीं करते। इसमें हल जुताई प्रणाली इनमें हम चेंज करके उसको ऑर्गेनिक बनाते हैं, इसमें न तो हल न मिट्टी न खाद इन्हें की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती, इनमें किसी प्रकार के चेंज करने की आवश्यकता नहीं। ऑर्गेनिक खेती ज़्यादा लोकप्रिय है या अभी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं, तो बेसिकली कुल मिला के ज़्यादा टेक्निकल ये है कि प्राकृतिक खेती ओनली नेचुरल बेस्ड है, उसमें किसी प्रकार की बाहरी चीज़ को हम इंटरफेयर नहीं करवाते। तो प्राकृतिक खेती जैविक खेती दोनों इको फ्रेंडली है, इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा पहल चलाई गई, इसी के कारण देखें
तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषक समुदाय के लाभ के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन पर एक पोर्टल चालू किया है। तो एक तो हमें जानना है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन क्या है, और दूसरा कृषक समुदाय तो हम सभी जानते हैं जो खेती करते हैं उनका समूह, करने वाले जो लोग हैं उनको, ठीक है ना। और उन्हीं के द्वारा प्राकृतिक कृषि के घटक देख लो एक बार तुम, आप लोग कौन कौन से घटक है, थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छी समझ जाओ चीज़ों। एक घटक है बीजामृत। बीजामृत की अगर बात करें, इसके तहत गाय के गोबर मूत्र और चूने के मिश्रण से बीजों को पोषण प्रदान किया जाता है। जैसे बीज है तो गाय के अवशिष्ट उनमें बीजों को डाला जाता है और उनसे पोषण दिया जाता है, उनसे बीज बड़े होते हैं उनके माध्यम से। दूसरा है जीवामृत। इसके तहत गाय के जो गोमूत्र बीज हैं वो करके मिट्टी में उपजता है। इसमें क्या है कि उनको एक तो बीजों को उसमें डाला जाता है, जैसे बीज अपनी उपजता खुद अच्छे से कर लेते हैं, फिर उसको खेतों में डालता है बाद में उसको खेतों में हम बीज देते हैं, खेतों में फैला देते हैं। दूसरा जीवामृत। जीवामृत में यह है कि जो मिट्टी है उसमें खाद अवशिष्ट को यूज करो, मिला दो, जिससे वो मिट्टी अपने न्यूट्रिशन बढ़ाए। तीसरा है बापसा। इसके तहत जलवाष्प संग्रहण करके मिट्टी में केंचुए को सक्रिय करो। केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं। और कैसे केंचुए, जब पानी वानी की चीज़ें आप ज़्यादा बनाएंगे तो केंचुए अपने आप डाल देते हैं। बरसात के दिनों में, रेनिंग सीजन में आप देखते होंगे केंचुए बहुत ज़्यादा होते हैं। मल्चिंग। इसके तहत मान लें कि आपकी कोई खेती है, उसमें मिट्टी की नमी का संरक्षण करने के लिए वहाँ पेड़ लगाओ, फसलों को बायोमास को ज़्यादा यूज करो, ताकि वहाँ एक अलग से क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट डेवलप किया जा सके। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब वहाँ अलग एनवायरनमेंट हो जाए एकदम, वहाँ तापमान कंट्रोल हो जाए, वहाँ आर्द्रता बनी रहे, तो उस तरीके से इसमें मल्चिंग का काम किया जाए। जैसे छोटी छोटी घास बिछाई जाती है छोटी छोटी चीज़ों पर। और पादप संरक्षण। इसके तहत जैविक मिश्रण का छिड़काव किया जाता है कीट रोग सर्पदा की समस्या कम करने के लिए। इसमें ये बोला है कि अगर कीट है, रोग है, खरपतवार की समस्या है, तो इनसे सुरक्षा करने, ये पादपों की सुरक्षा करते हैं तथा मिट्टी की उर्वरता में सुधार करते हैं। जैविक मिश्रण यानी कुछ ऐसे जीव हम यूज करते हैं, छोटे ऑर्गेनिक, माइक्रो ऑर्गेनिक या छोटे कीटनाशक, जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जीव हैं उनको नष्ट करते हैं। तो ये चार पांच घटक है जो आपके नेचुरल एग्रीकल्चर में काम आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पोर्टल के बारे में। दोस्तों, पोर्टल कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको विकसित किया गया है, जिस पोर्टल का पूरा मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय कृषि जो प्राकृतिक कृषि मिशन है, इनका इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, किसान कितने रजिस्टर हैं, किन किसानों को कितनी जानकारी है, इसका पूरा डेटा में प्रोवाइड हुआ है। भारत में प्राकृतिक कृषि के अंदर 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वर्तमान में प्राकृतिक कृषि के बारे में ऑलरेडी पूरा बता चुके हैं आप, देख लो, ठीक है ना। ये रसायन मुक्त और पशुधन आधारित है, पशुओं के अवशिष्ट को यूज किया जाता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के बारे में अगर बात करें तो भारत में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से मिशन चलाया गया था। इस मिशन के अंतर्गत मतलब हम कह सकते हैं कि भारतीय प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत एक उप योजना का मिशन है सतत कृषि। ये किसका है आप सभी जानते हैं, ये एक उप मिशन है, क्योंकि हमने क्लाइमेट चेंज से संबंधित हमने 8 मिशन अपनाए थे, उनमें से एक मिशन था नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उसी का एक पार्ट है आपका परंपरागत कृषि, या आपकी प्राकृतिक कृषि, तो उसका एक पार्ट है आप सभी जानते हैं। इसके पूरे देश में आपको पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी लागत 2024-25 तक लगभग इतने करोड़ रुपये आएगी। मांग आधारित राज्यों को इसमें लक्ष्य डिसाइड किए गए लॉन्ग टाइम के लिए, और कृषि के विस्तार के लिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान को इसमें शामिल किया गया। साथ ही राष्ट्रीय जैविक प्राकृतिक कृषि विकास, राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक कृषि केंद्र भी इसमें काम करेगा, जो प्राकृतिक कृषि के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा, उनके प्रबंधन करेगा, उनका पोर्टल पर रख रखाव करेगा। ये चीज़ें आपको इसमें पूरी तरह की जाए, ठीक है ना। इस मिशन के अगर उद्देश्य देखें तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि देश में मुख्य रूप से बाहर से खरीदे गए इनपुट से मुक्त, यानी कि पूरी तरह एक तरह से टोटल वो इनपुट यूज करेंगे जो खेत में होते हैं, प्राकृतिक जो डेयरी उत्पादन है या अलाइड जो पशुधन है उसका यूज किया जाएगा, किसानों की भागीदारी में रिसर्च अनुसंधान बढ़ेगा, उसमें प्रोत्साहन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से है कि जो विभिन्न देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक कृषि पद्धति है उनके बारे में जानकारी अच्छे से मिलेगी, नॉर्मल प्राकृतिक कृषि के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ेगी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक ब्रांडिंग बनेगी। तो पोर्टल है, उसके कई उद्देश्य है, उस पोर्टल के माध्यम से इतनी सारी चीज़ें पता लग जाएगी किसानों को, तो पोर्टल बहुत बढ़िया काम करेगी। प्राकृतिक कृषि के लाभ नॉर्मली हर कोई जानता है, प्राकृतिक कृषि के लाभ क्या होते हैं सभी जानते हैं। और प्राकृतिक कृषि के पहला कीटनाशकों का यूज हम नहीं करेंगे, तो इसलिए एक वर्ष हमने हमारी मृदा है उसकी उर्वरता बनी रहेगी,
और जो सॉयल हेल्थ है स्टेटस उसका अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरा बात, इसमें मृदा अपरदन की कमी आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप बायो ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो आप सिंचाई को मैनेज करोगे, आप खाली भूमि नहीं छोड़ोगे, जिससे मृदा की अपरदन है कम होगा। ग्लोबल वार्मिंग कम हो, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड ऐसी चीज़ों की यूज नहीं करोगे जिससे केमिकल कम होंगे। जल संरक्षण महत्वपूर्ण होगा, शैवाल विस्फोटन में कमी आएगी। अब ये कमी कैसे आएगी, शैवाल इसको बोलते हैं प्रस्फुटन या विस्फोट बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। देखो आप सभी जानते हैं शैवाल विस्फोटन कह सकते हैं, एग्रीकल्चर से जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, उर्वरक यूज करते हैं, बहकर के जाते हैं किसी जलीय क्षेत्र में, तालाब जलाशय वलाशय, तो वहां पर क्या है पोषक बढ़ जाते हैं, पोषक बढ़ने से शैवालों की संख्या बढ़ जाती है। शैवालों की जैसी संख्या बढ़ती है इसे बोलते हैं शैवाल विस्फोट। शैवालों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सतह पर फिर शैवाल शैवाल जमा हो जाते हैं, सूर्य के तापमान उस तालाब में अंदर नहीं जा पाते और इसकी वजह से नीचे के जल है वो सड़ जाता है, वो उस पूरी जल क्षेत्र है उसको क्या करता है, पॉल्यूटेड कर देता है। तो उसकी यहाँ कमी होगी, क्योंकि कृषि में हम रासायनिक उर्वरक ऐसी चीज़ों का यूज नहीं करेंगे, तो जो जल बहके भी जाएगा अगर, तो वो किसी प्रकार से पोषक तत्व उनकी वृद्धि नहीं करेगा उस जल क्षेत्र में, जिससे जल संरक्षण में शैवाल नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा पशु स्वास्थ्य कल्याण होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में केमिकल्स यूज करते हैं, उनको हम खुद भी खाते थे, उनको हम पशुओं को खाते थे, तो उनका स्वास्थ्य बहुत खराब होता था, और जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। आप अलग अलग तरह की कल्चर करोगे, एग्रीकल्चर करोगे, नेचुरल चीज़ों को यूज करोगे, इकोसिस्टम की जगह कैचुओं का यूज करोगे, नेचुरल संसाधनों का यूज करोगे, तो ऑब्वियसली आपका प्राकृतिक कृषि बढ़ेगी, ये फायदे आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अगला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये चीज़ याद कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 का ये दोस्तों ध्यान रखना, 2023 का ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है मोटा अनाज। तो आपसे पूछ सकते हैं मोटे अनाज के क्या फायदे हैं, मोटा अनाज के लिए भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उस चीज़ आपको देख। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो कृषि और खाद्य कल्याण बोर्ड है आपका, जैसे बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा 2023 को आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, मिलेट्स का समारोह आपका इटली में हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज की बात करें, 2021 में ही भारत सरकार ने एक प्रस्ताव रखा, उसके बाद 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज की बहुत कल है, क्योंकि भारत मोटा अनाज उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कंट्री है। क्यों किया गया, क्योंकि खाद्य सुरक्षा और पोषणतम जागरूकता के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं मोटा अनाज नॉर्मली गरीब लोगों का माना जाता है, गरीब लोगों के खाद्यान्न का स्रोत माना जाता है। और इसकी एक खास बात है मोटा अनाज की दोस्तों, कि मोटा अनाज जैसे आप मक्का बाजरा ऐसी चीज़ें करोगे, तो इसमें एक तो आयरन बहुत अच्छा होता है, पोषणता बहुत अच्छी होती है, तो इससे आप पोषणता को भी सुनिश्चित कर पाओगे और खाद्यान्न उपलब्धता खाद्य सुरक्षा भी कर सकेगी, क्योंकि तो मोटा अनाज की वैल्यू है वो ज़्यादा अच्छी होगी। और मोटा अनाज की वैल्यू अच्छी हुई है, ऑब्वियसली इसकी प्राइस बढ़ी जब इसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें वैश्विक उत्पादन वृद्धि होगी, कौशल प्रसंस्करण पर फोकस किया जाएगा, खाद्य बास्केट में इसका भूमिका बढ़ेगी। तो मोटा अनाज को 2023 का जो वर्ष घोषित किया गया वो ठीक है। मोटा अनाज में कई चीज़ें आती है, जैसे मेजर फसल माइनर और शुरू, मेजर में आता है ज्वार बाजरा और आपका रागी, ठीक है। माइनर में आता है आपका फॉक्सटेल, ये कम सुनते हैं हम, चना, लिटिल मिलेट, वायनन मिलेट, इसको याद रखना, बेसिकली इतना ही आता है। स्वेडो में आता है आपका बकवीट और अमरनाथ रामदाना, ये दो चार चीज़ें हैं मिलेट की, इनको याद हो जाता ठीक है, इनको ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट इसके बारे में मोटा अनाज के बारे में, ये क्वेश्चन आपके यहाँ से आए। मोटा अनाज आप सभी जानते हैं बाजरा छोटे दाने वाले अनाजों का एक विविधतापूर्ण समूह, भारत में विभिन्न भागों में स्वदेशी किस्म के रूप में से मोटे अनाजों में मुख्य रूप से क्या होता है, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि शरीर में बहुत सारी चीजों में पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और आहार युक्त होते हैं। हरित क्रांति में मोटे अनाज भारत में सर्वाधिक उगाए जाने वाले थे, हालांकि मोटे अनाजों में पशुओं खिलाने के लिए सीमांत चारे की फसल भी है। भारत में प्रतिवर्ष इतना मिलियन टन बाजरा होता है, विश्व में 20% उत्पादन होता है, अफ्रीका दूसरे स्थान पर, अमेरिका तीसरे स्थान पर, और भारत में मोटे अनाज का निर्यात इतना किया जाता है, इसलिए भारत इसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज की लोकप्रियता बढ़ेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी भारत की डिमांड बढ़ेगी और भारत निर्यात को अपना बढ़ा सकेगा। भारत में मोटे अनाज में सबसे ज़्यादा उत्पादन, क्योंकि इसमें ध्यान रखना मोटे अनाज के लिए जब वर्षा की जरूरत कम पड़ती है, शुष्क जलवायु की जरूरत पड़ती है, इसमें आपका पोषक तत्व ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसमें कॉस्ट भी कम आती है, और ये मुख्य रूप से वो किसान कर सकते हैं जिनकी लागत कम आती है। इसका उत्पादन करने वाले पहला पे आपका MP, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा राजस्थान, सॉरी चौथा राजस्थान और पांचवा महाराष्ट्र,
तो ये आपको एक बार ध्यान रखना है, जैसे एमपी, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, मोटे अनाज को देने के लिए भारत सरकार ने भी कई काम किए। पहला 2018 में हमने राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया इसको, इसके अलावा इसमें MSP दी गई है। आंगनबाड़ियों के लिए मिड डे मील में मोटे अनाज को रखना हमने अनिवार्य कर दिया भारत सरकार के द्वारा, ये इनिशिएटिव दिए गए मोटे अनाज के। मोटे अनाज का फायदा क्या, एक तो उपभोक्ता के लिए फायदा है क्योंकि इसको ग्लूटन युक्त मिल जाता है, जिससे रोगी डायबिटीज से फायदा होता है, आप गैस वैस नहीं बनती है, ब्लड ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होता है किसानों को, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क कम होती है क्योंकि इसमें श्रम और सहज करने वाली क्षमता होती है, क्योंकि सूखे में हो सकता है उनको ज़्यादा केमिकल्स और एक तरह से हम कह सकते हैं रासायनिक उपयोग नहीं करें, तो किसानों की लागत थोड़ी कम होती है। और इसके अलावा आप पहले गेहूं खेती करें फिर बाजरा खेती करें तो पोषक तत्व हैं उनमें बढ़ने की वृद्धि रहती है, अंतर फसल जो चीज़ें हैं उसमें बढ़ा हुआ इको सिस्टम क्योंकि इको फ्रेंडली है, जलवायु परिवर्तन के अकॉर्डिंग है, नेट भुखमरी के टारगेट को प्राप्त करने में सहयोग रहेगा, स्वास्थ्य में सहयोग रहेगा। इसी कारण से इतने ज़्यादा यूज होने की वजह से ही मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार घोषित किया गया। अगला हम देखते हैं दोस्तों डायरेक्ट सीडेड राइस, ये थोड़ा सा हम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं DSR, ये पद्धति देख लेते हैं, चावल की पद्धति थोड़ा सा, ये तीन चार पद्धति इनका क्वेश्चन UPSC पूछ लेते हैं। पहले देख लेते हैं, किसानों ने पंजाब में धान रोपाई के लिए DSR तकनीक का उपयोग करने से मना कर दिया। DSR क्या है? DSR नर्सरी से रोपाई के बजाय खेतों में बोए जाने वाले बीजों को से धान की फसल तैयार करने की प्रक्रिया है, यह पानी बचाने वाली धान की बुवाई की तकनीक है। और DSR को बिखराव इसको बोलते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, एक तो आप चावल बोना धान बोना चाहते हैं तो एक तो आप नर्सरी में लगाइए और जब बरसात होती है उस समय वहाँ से निकाल के हम खेतों में उसको रोपाई करते हैं, ठीक है, वो तरीका होती है। इतने DSR में बोला जाता है कि देखो आप ऐसे, क्योंकि उसको लगाने के लिए आपको वर्षा की ज़रूरत बहुत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे था कि पानी की एफिशिएंसी सही हो जाए, पानी की जरूरत कम पड़े, इसलिए था कि आप खेतों में ही इसकी क्या करते हो रोपाई कर लाए, खेतों में बीज है जैसे अपन गेहूं के बीज उसमें डालते हैं खेतों में, ठीक उसी प्रकार से आप धान के बीज भी डाल दो तो धान उन खेतों में डायरेक्ट हो जाए, आपको रोपाई ना करनी पड़े, ठीक है, उसकी बात हो रही है, तो पंजाब के किसानों उसकी मनाई कर, ठीक है ना। DSR के लाभ तो ये थे कि एक तो देखो DSR लाभ क्या है इसके, इसके एक तो लाभ है कि आपका श्रम बचता है, क्योंकि तो आप जब नर्सरी में लगाते हो फिर उसको वहाँ से निकालने के लिए, फिर आप रोपाई करने के लिए बड़ी मात्रा आपको श्रम लगाना पड़ता है, आसान बुवाई होती है क्योंकि आपको एक तो वहाँ ध्यान रखना पड़ता है बढ़ेगा, उसके बाद फसल आपका 7-8 दिन समय से पहले फसल तैयार हो जाती है, जल की कुशलता क्योंकि जल की जरूरत कम पड़ती है और मीथेन का एमिशन कम होता है। इन्हीं कारणों से सरकार द्वारा डायरेक्ट सीडिंग जो है, आपके डायरेक्ट सीड रीडिंग की बात की गई है, DSR की बात की गई है, डायरेक्ट सीडेड राइस की बात की गई है। अगला ऐसी चुनौती है कि रोपण की पद्धति की तुलना में अधिक बीज होता है, ऑब्वियसली रोपण में क्या आप एक जगह बीज डाल दोगे और वहाँ से आप एक एक वहाँ से सभी बीज एक नर्सरी में उग जाएंगे, वहाँ से एक एक ला करके आप डाल दोगे। DSR में क्या है कि आप खेतों में डालेंगे बीज, उसमें हो सकता है 10 बीज उगेंगे, 4 नहीं उगेंगे, उसमें आपको बीज ज़्यादा डालना। दूसरा, DSR में लेजर तकनीक के जरिए भूमि समतल करना अनिवार्य है, आपको भूमि समतल करना अनिवार्य, नहीं तो एक जगह पानी इकट्ठा हो जाएगा, जबकि उसमें ऐसा नहीं है। प्रत्येक बीज रोपण कुछ ठंड स्थितियों को उगाना मुश्किल हो जाएगा, शाकनाशी उपलब्ध नहीं है, DSR के बीजों की उपलब्धता 8-10 ग्राम प्रति एकड़, इसके विपरीत रोपण की पद्धति 4-5 किलो प्रति एकड़ रोपण, यानी कि बीज की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए किसानों ने मना कर दिया, बोला कॉस्ट ज़्यादा आती है, इसमें कॉस्ट जाने की वजह से किसानों ने मना कर दिया। चावल की कई पद्धतियाँ उनको एक बार देख लेते हैं क्या क्या। एक है राइस इंटेंसिफिकेशन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यह पद्धति सबसे पहले दोस्तों अफ्रीका का जो मेडागास्कर द्वीप वहाँ यूज की गई, इसमें 15-20% तक आपकी भूमि की बचत होती है, साथ ही चावल की उत्पादकता में आपका सुधार होता है ना। अगला है आपका प्रतिरोपण, इसके तहत बीजों में पहले नर्सरी में बोया जाता है, 3-4 पत्ते दिखाई देने के बाद उसको मुख्य जगह रोपा, इसमें श्रम की ज़्यादा जरूरत होती है। ड्रिलिंग, इसके तहत एक व्यक्ति हल चलाता जाता है, दूसरा व्यक्ति उसमें दाने डालता जाता है, ठीक है ना, इसमें बैलों की खेती टाइम इसको यूज किया जापान में, इसमें नर्सरी में बोया जाता है फिर मुख्य, सेम ही तो नेचुरली हम करते हैं, पहले नर्सरी में बोते हैं और फिर उसको मुख्य खेत में जा करके इसको सीडिंग की जाती है। राइट टू रिपेयर पोर्टल, एक बार इसको देख रहे थे, राइट टू रिपेयर पोर्टल, जो सबसे पहले राइट टू रिपेयर की अगर बात करें तो राइट टू रिपेयर क्या है उसको ध्यान रखना है। राइट टू रिपेयर का मतलब है कि भाई आंदोलन ने ये बोला है कि कंपनियां हैं वो अपने पार्ट्स इस तरीके से बनाए कि उनको रिपेयर किया जा सके, जैसे
गूगल के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप रिपेयर नहीं करवा सकते, आपको रिप्लेस करना पड़ता है। रिप्लेस करने के लिए आपको लगती है कॉस्ट, इसलिए बहुत सारे उपभोक्ताओं ने बोला भाई हमारी कॉस्ट बचाने के लिए हमें राइट टू रिपेयर करने का होना चाहिए। तो हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा लाइफ आंदोलन के बढ़ावा देने के लिए राइट टू रिपेयर पर एक समिति का गठन किया गया, जिसके अंदर यह है कि हमें प्रमुख क्षेत्र जैसे कृषि उपकरण मोबाइल इन पे इन क्षेत्रों में हमने टारगेट किया गया कि यहाँ राइट टू रिपेयर हमारे पास होना चाहिए। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन भी चला। आंदोलन ने बोला कि भाई उपभोक्ता मरम्मत करने वालों दुकानों के लिए स्पेयर पार्ट्स मशीनरी की जानकारी होनी चाहिए ताकि उत्पादों का जीवन चक्र बचा सके। राइट टू रिपेयर अमेरिका ब्रिटेन यूरोप संघ द्वारा मान्यता दे रखी है, भारत में अभी तक इसको नहीं दिया, लेकिन कई कंपनियां तो ऑब्वियसली इसमें दिक्कत खड़ी करती है, क्योंकि जैसे गूगल है, एप्पल है, टेस्ला है, ये कंपनियां बोलती भाई नहीं 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 रिपेयर करने का अधिकार हमारा प्रोडक्ट है, कोई और को रिपेयर करने का अधिकार कैसे दे, ठीक है। हो सकता है तीसरा आदमी को हमने रिपेयर का अधिकार दे दिया, वो हमारी सारी चीज़ों को सीख गया, तो हमारा पेटेंट वगैरह चीज़ें हैं, हमारी राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उन पर तीसरे व्यक्ति की पहुंच चली जाती है, इसलिए उन्होंने इसमें चिंता जाहिर की। भारत में राइट टू रिपेयर के लिए रूपरेखा का महत्व है कि ऑब्वियसली भारत में राइट टू रिपेयर से जो संधानता बढ़ेगी, क्योंकि आपको प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा लाइफ पड़ेगी, उपभोक्ताओं का अधिकार मिलेंगे, प्लांट वो चीज़ें बढ़ेंगी, अवशिष्ट है वो कम हो जाएंगे, व्यापार में अच्छी सी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पोर्टल बनाया है, इस पोर्टल को आपको पता है हमारे उपभोक्ता खाद्य सार्वजनिक मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, और 24 दिसंबर पे आपको पता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, उसको लॉन्च किया गया 24 दिसंबर को। पोर्टल में उत्पादक और विनिर्माताओं की सभी की जानकारी आपस में साझा करेंगे, तीसरे पक्ष तक जानकारी हो जाएगी, तीसरे पक्ष द्वारा स्वयं कर सकेंगे, और इसलिए बोला है कि इससे मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता जैसी वस्तुओं के इनके रिपेयर के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अगला है दोस्तों आपका स्कोप ऑफ अथॉरिटी अंडर डैम सेफ्टी एक्ट एंड बाल सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राधिकरण का दायरा, जो बांध सुरक्षा एक्ट 2021 आया था, उसमें वहाँ अथॉरिटी हमने बनाई थी, सब क्या था उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण और अन्य निकायों के कामों का एक विस्तार से जानकारी देने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, क्या हुआ था मामला चलाया बांध सुरक्षा अधिकरण को लेकर के मुल्ला पेरियार बांध को लेकर, आप सभी जानते हैं मुल्ला पेरियार बांध को लेकर के केरल और तमिलनाडु में बहुत दिन से विवाद चल रहा था, और कानून रूप से विवाद समाप्त करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था कि हम जो बांध अथॉरिटी है उसके पास क्या अधिकार होने चाहिए, उसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो केंद्र सरकार जब ये मुद्दा चला तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले तो केंद्र सरकार हमें ये बताए कि एक्चुअली में जो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण है या अन्य बांध संरक्षण से संबंधित जो प्राधिकरण है उनके अधिकार क्या है, उनका दायरा क्या है, वो क्या डिसीजन दे सकते हैं, और उनके डिसीजन को कौन को मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए, इसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी, इसलिए मामला हाईलाइटेड रहा। मुल्ला पेरियार तमिलनाडु और केरल के बीच में सबसे बड़ा डिस्प्यूटेबल रहा है, आप सभी जानते हैं। मुल्ला पेरियार बांध को एक बार अच्छे से देखते हैं, आगे देखेंगे ये भी। आपसे बांध संरक्षण अधिनियम जो भारत का बांध सिक्योरिटी एक्ट आया था 2021 में, ऑब्वियसली आपदाओं से संरक्षण करने के लिए उनकी निगरानी करना, दो विशेष निकाय इसमें बनाए गए थे, ये निकाय में एक राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, ये दोनों बनाए गए थे। इन अधिनियम कहा कि बांध स्वामित्व धारकों को एक आपातकालीन कार्य योजना भी तैयार करनी होगी कि भाई अगर मान लें बांध जल अगर कोई बाढ़ की स्थिति आए, जल बरसात ज़्यादा हो जाए या बांध की टूटने की संभावना हो तो बाढ़ की, तो क्या क्या हमें कर सकते हैं, कैसे चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। विशाल बांधों की अगर बात करें तो भारत में विशाल बांधों की संख्या तीसरे नंबर पर लगभग 5,500 के समथिंग, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसको देख लो। मुल्ला पेरियार बांध 126 साल पुराना बांध है, स्वामित्व संचालन और रख रखाव इसकी जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार के पास, पेरियार नदी के ऊपरी भाग में है ये देखो, ठीक है ना, एड्डू की रिजर्वेयर है यहाँ, पेरियार रिजर्वेयर है या मुल्ला पेरियार डैम यहाँ डैम है, और ध्यान रखना इस पर कंट्रोल है तमिलनाडु का और जगह में है किसकी में केरल की, तो बड़ा अलग चीज है। विवाद कारण यह कि 1886 में त्रावणकोर के तत्कालीन महाराजा ने ब्रिटिश संसद के साथ 999 वर्ष के पट्टे पर एक समझौता किया जिसके तहत मुल्ला तैयार का बांध तमिलनाडु को सौंप दिया, यह हुआ था। केरल का दावा है कि बांध की संरचना कमजोर हो चुकी है और ये किसी भी समय नष्ट हो सकता है बहुत सारे लोग, इसलिए जबकि दूसरी ओर तमिलनाडु कह रहा है कि नहीं हमने इसको अच्छे से सिक्योर कर रखा है, तो केरल कह रहा है भाई देखो टूट गया तो तुझे तो कुछ नुकसान होगा नहीं, मेरे लोग तो बह के चले जाएंगे,
कंट्रोल इसमें केरल का है, बोला तमिलनाडु का है, तमिलनाडु इसको सही करवाएगा, तमिलनाडु इसको सेलेक्शन करेगा, और नुकसान हो रहा है इसमें केरल को। तो केरल ने ये बोला है कि भाई हमारा ये सही करवा दो, अदरवाइज हम डूब जाएंगे इसलिए, ठीक है ना। रूल कर्व क्या होता है इसको देखते थोड़ा सा। रूल कर्व एक क्या है, टेबल होते हैं जिसमें 35 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर भिन्न भिन्न सामुद्रिक जलाशय के भंडारण की जल की स्थिति को देखा जाता है, और इस विधि के तहत हम देखते हैं कि कितना जल की इसमें परमिशन है। मतलब हम पिछले 35 साल का डेटा लेंगे, 35 साल के बाद देखेंगे कभी सबसे ज़्यादा भरा, उस समय इसकी क्षमता कम क्या रही थी, अब इसके कम अलग अलग टाइम पर कितनी भर रहा है उसका एक एवरेज रखेंगे, उसके आधार पर देखेंगे कि भविष्य में कोई इससे ज़्यादा भरेगा, अगर ये इसका अगर जल भराव ज़्यादा होगा तो क्या ये क्षमता छीन पाएगा नहीं ना, और बांध के सुरक्षा तंत्र के रूप में काम करता। तो मुल्ला पेरियार को थोड़ा देख लेना, बेसिकली कुछ नहीं है, तमिलनाडु का है, केरल की जगह में है, इसलिए डिस्पोटेबल है। अब बांध से संबंधित जल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इनको देखो थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, जैसे क्वार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तगार जिले में चिनाब नदी पर, ध्यान रखना किस पे है, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर और भी जल विद्युत परियोजना जैसे बंग लिहा दुलहस्ती सलाल पाकलदुल किरूम और कृष्ण, ये नाम जरूर याद रखना क्योंकि यूपीएससी कई बार मिलान के लिए दे देता है, और आजकल यूपीएससी ने 2022 में क्या ट्रेंड कर दिया कि उसने मिलान में एक ऐसा नहीं कि एक मिलान में कहता है एक सही दो सही तीन सही चार सही, उसमें चारों आने चाहिए आपको, नहीं तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और हो सकता है 2023 के पेपर में यूपीएससी कुछ और चेंज कर दे, ऑप्शन के साथ खेल कर सकते। अपर सियांग बहुद्देशीय परियोजना, देखो अब ऐसा नाम आता है आपके पास तो आपको पता है कि ये नाम नॉर्थ का तो होगा नहीं, कंप्यूटर साउथ का ये नाम होता नहीं है ऐसा, साउथ का क्या होता, तो ये नाम है नॉर्थ ईस्ट का। जब भी राज्यों की स्थिति देखे तो आपको पता है कि आएगा इसमें अरुणाचल प्रदेश कि ये अरुणाचल प्रदेश में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने 10 गीगावाट विद्युत परियोजना की यहाँ की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य चीन की सियांग नदी से जो जल डाइवर्जन योजना की बात कर रहा है कि जल डाइवर्जन चीन की सियांग नदी की जल डाइवर्जन योजना को प्रदर्शित करने पर प्रधानमंत्री 84 है, तो भारत चाह रहा है कि इसमें भारत जल विद्युत परियोजना करें। दबांग है वो अरुणाचल प्रदेश में, निचली घाटी दबांग में है, ठीक है, और ये आंसू पानी दबांग नदियों के बीच में बना हुआ है। एटालिन आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में है, दबांग घाटी पर, पूर्व हिमालय से जब का हॉटस्पॉट का पार्ट है, या कोई लोकल ये स्थानीय प्रजातियाँ भी पाई जाती है इसमें, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा देखें। 2008 में इसको विद्युत क्षमता इसकी इतनी थी, तिरदेन नदी और टेंगा नदी के दो बांध बनाए, अनुपनी और अथुनी, ये दो नई छोटी विद्युत परियोजना और है कहाँ पर, आपके अरुणाचल प्रदेश में। डीप सी माइनिंग में हाल ही में क्या अंतर्राष्ट्रीय तल प्राधिकरण के द्वारा 27वीं बैठक हुई, और उसमें डीप सी माइनिंग पर चिंता जाहिर की, क्योंकि डीप सी माइनिंग आप सभी जानते हैं कि आप गहराई तक कोबाल्ट प्राकृतिक संसाधनों के लिए करते हैं, इससे जो आपके जो प्राकृतिक संसाधन है उनको नुकसान होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विश्व के महासागरों में 54% जो उत्पादन है वो ऐसी जगह हैं जहाँ पर किसी का क्षेत्र अधिकार नहीं है, तो इसमें अलग अलग जगह जाकर के लोग ये एक्सप्लोरेशन करते हैं, और इससे वहाँ मुख्य रूप से कई नुकसान होते हैं, इससे एक प्राकृतिक संसाधन उनको नुकसान होते हैं, इसके लिए इनकी चिंता जागती है। इसमें आपको पता है कई प्रोडक्ट पाए जैसे पॉलीमेटेलिक नूडल्स पाए जाते हैं, ये लगभग 6000 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं, ये रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं उनके लिए, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सागर निर्मल प्राधिकरण के द्वारा मना किया गया है कि भाई ये हमारी बड़ी सेंसिटिव है, इसलिए मना क्या किया है उसने बोला है इसको रेगुलेटेड किया जाए, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सागर नेत्तल आप सभी जानते हैं ये एक स्वायत्त संगठन है, 1994 में आया यूएन की जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ सी है, जिसे बोलते हैं समुद्री कानून अविसमय, ये समुद्री कानून अविसमय है जो इसने समुद्री कानून डिसाइड किया, जैसे कि आप लोग हम ऑलरेडी कई वीडियो में पढ़ा चुके हैं। दूसरा सदस्यता 167 सदस्य और यूरोपीय संघ सहित 168 देश से भारत में इसमें शामिल है, और इसके द्वारा दो अन्य संस्थाओं की स्थापना की गई, एक तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पानी अधिकरण और एक महाद्वीपीय मग्न तटों पर है। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉफ की हुई थी, ये हुई थी 1982 में, इसमें तीन संस्थाएं बनाई गई थी, एक तो है आपका आईएसए, एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, और एक है आपका महाद्वीपीय मग्न तटों पर सीमाओं का आयोग। नदी परियोजना देख लो थोड़ा सा, नदी परियोजना दो तीन चीज़ें आपको देखेंगी, किस नदी पर है, किस जगह, एक है कलासा बंडूरी परियोजना, केंद्र सरकार ने कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है, ये महादई नदी के दो सहायक नदी उस पर है ये, ठीक है ना, और इसमें आपको ध्यान रखना
और इसके अलावा पूर्वी राजस्थान है, तो हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने कई बात बोली कि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र जैसे में पार्वती काली सिंध चंबल नदी है, इनको मुख्य रूप से इनको एकीकरण करने की बात की जाए ताकि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में चंबल जदी है जल नदी है उसका पूर्वी क्षेत्र में विस्तार किया जा सके। इसके बाद आते हैं आपके विभिन्न सूचकांक, है ना। तो इसमें एक रिपोर्ट और सूचकांक को देख लेते हैं जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। एक है फॉरेस्ट इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, इसको आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया था, है ना। और मैंने आपको इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन ये अभी बताई थी, ये क्या करती है अलग अलग देशों की ऊर्जा संक्रमण से संबंधित एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट ये खुद भी जारी करती है, उसको भी उसी को लेती है और उसी के आधार पर ये रिपोर्ट ये जारी करती है इफेक्टिव ट्रांजिशन रिपोर्ट। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट भी इसी के द्वारा किया जाता है। सिस्टम परफॉर्मेंस कैसे, कि ऊर्जा की सतर्कता कितनी है, उसका आर्थिक विकास कितना हुआ है, सुरक्षा कितनी है उसका। पर्यावरण इम्पैक्ट, पर्यावरण परफॉर्मेंस ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, ये कई इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी इनके साथ में मिलकर जारी करता है, भारत की 180वीं रैंक। इसके अलावा आती है आपकी रैंक 21, इसको रैंक 21 के द्वारा जारी किया जाता है। रैंक 21 क्या है, विज्ञान सरकारों का एक क्या है, एकमात्र वैश्विक समुदाय जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करता है। 2004 में इसको बॉन कन्वेंशन में स्थापित किया गया था। इसके निष्कर्ष यह है कि भारत ने 2021 में 15.4 नवीनीकरण ऊर्जा जोड़ी है, इसी वर्ष चीन ने 136, अमेरिका ने 43। तो चीन काफ़ी आगे है इस चीज़ में, भारत 30 नंबर पे, पहला पे चीन है, दूसरा पे आपका अमेरिका है, तीसरा पे इंडिया। भारत नई सौर फोटोवोल्टिक वाले विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, क्योंकि भारत चीन सबसे पहले नंबर पर क्षमता स्थापित करता है, भारत चौथे नंबर पर। क्षमता की बात है तो चीन पहले नंबर पे है, ठीक है ना। भारत की रैंक अगर इसमें देखें तो भारत ने नई सौर जल तापन क्षमता में भारत की रैंक दूसरे स्थान पर, जल विद्युत क्षमता में तीसरे स्थान पर, इथेनॉल उत्पादन 5वें स्थान पर। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं भी रहे तो इतना ध्यान रखना कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है और क्या है। अगली रिपोर्ट है दोस्तों आपका रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टेटिक्स रिपोर्ट, इसको IREN जारी करता है नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी। आप सभी जानते हैं नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है जो रिन्यूएबल एनर्जी या सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने पर सहयोग करती है। भारत ने इसकी पिछले वर्ष की तुलना में 9% वृद्धि दिखाई है। वर्ष 2001 में ऊर्जा उत्पादन लागत की रिपोर्ट है, उसको भी IREN जारी करता है। IREN 3-4 रिपोर्ट जारी करता है, इनको देख लेने का। एक तो है रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टेटिक्स, एक तो ये हो गई। दूसरा है वर्ष 2021 में रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टेटिक्स, वो 2021 के लिए है, 2022 के लिए वो सेम ही हो गई, कोई अलग नहीं है। इसके बाद अक्षय ऊर्जा और रोजगार बार की समीक्षा, वो भी जारी करता है, लेकिन ये काम करता है इसको ये जो रिपोर्ट है अक्षय ऊर्जा रोजगार वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट, इसको जारी करता है ये ILO के साथ, दोनों मिलकर इसको जारी करते हैं। और इसमें इसका चाहिए 2030 तक अगर मैं बात करूं तो गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा अगर भारत ने 500 गीगावाट अगर बढ़ाई, 500 गीगावाट बढ़ाई, तो भारत को 3.4 लोगों का रोजगार मिल जाएगा, ध्यान। इसके अलावा आपकी है नवीनीकरण ऊर्जा रिपोर्ट 2022, इसको भी आपकी इंटरनेशनल ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। 5 वर्षों में क्षमता में 90% हिस्सा इसका बढ़ाया हुआ, 2027 तक भारत का अपना और बढ़ जाएगा इसमें। एक है वर्ल्ड एनर्जी इम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, तो इसको जारी करता है आपकी इंटरनेशनल एनर्जी है, ये वैश्विक लेवल पर कार्यबल की व्यापक देखती है। 2019 में इसने बोला कि ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 2% लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगर हम क्या करेंगे, स्वच्छ ऊर्जा में श्रमिकों की बात करेंगे, स्वच्छ ऊर्जा ऊर्जा श्रमिकों को 50% से अधिक कवर प्रदान करती है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पे देंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगे, और एशिया प्रशांत क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके लिए। एक एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, इसको मैंने बोला जितनी भी आपकी आउटलुक रिपोर्ट है उस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं इसमें कॉपी है। इसके अलावा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022, इसको ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया जाता है, जो मुख्य रूप से क्या करता है पवन ऊर्जा की दक्षता के बारे में आपको देखती है। आंकड़ों में भारत की स्थिति अगर देखें तो विज्ञान पर्यावरण केंद्र के द्वारा जारी किया गया है, 2022 में भारत में 280 हीट वेव्स आई थी। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल्स ने बोला है कि भारत में 280 दिन हीट वेव आई थी। हीट वेव का मतलब है सामान्य रूप से तापमान ज़्यादा हो उस दिन, ठीक है ना। सबसे अप्रैल उत्तर भारत में सबसे गर्म रहा है, और राजस्थान मध्य प्रदेश में ज़्यादा हीट वेव आई है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका है इन्वेस्ट इंडिया 2022, इसको नेशनल स्टेटिक्स ऑफिस NSO के द्वारा जारी किया गया, जिस एक प्रकाशन है
जिसके कई आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों में कई सार्वजनिक संस्थाओं के प्रकाशन में रिपोर्ट दिए गए। इसमें ये देखा जाता है कि अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अपनी नीतियों में पर्यावरण संबंधी कितनी चीजों को ध्यान में रखा गया है। ये घटा कैसे कि जैसे मानव वस्तु एवं पर्यावरण चरम घटनाएं अपशिष्ट ये है चीजें, और इसमें पर्यावरण सांख्यिकी विकास फ्रेमवर्क अलग अलग खंडों के आधार पर 6 वर्ग इनके आधार पर फ्रेमवर्क जारी करता है। 2013 में एक बहुउद्देशीय सांख्यिकी फ्रेमवर्क है जिसकी प्राकृतिक व्यापक है। बेसिकली इसमें कुछ नहीं, ये देखा गया कि जो पर्यावरण है और उसके अन्य कारक है घटक है उनके साथ अलग अलग लोग अलग डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं उनका डेटा आपको इसमें शेयर है। तो आपका एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी की सारी चीज़ आपने बेसिक में पढ़ रखी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप गो थ्रू होंगे तो आपको कोई ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं नहीं लगे। ठीक है, तो इसके साथ ये हमारा एनवायरनमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी का है जो अगर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी तो इसमें बदल, लेकिन देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का पूरा बेसिक्स आपका इसमें आ चुका है। आप यदि इसको अच्छे से पढ़ोगे, इसका रिविजन करोगे, PT 365 को इसके अलावा टेस्ट भी दोगे, हमारे बेसिक के वीडियो देखोगे, तो आपको मुझे लगता है काफ़ी हद तक क्रम कम्प्लीट हो जाएगा। कुछ एक्सटेंडेड वाली में है करंट आपका एनवायरनमेंट का, उसको हम कम्प्लीट कर देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से हम काफ़ी हद तक इसके टारगेट है और वो आपको करंट कवर कर लेंगे। आप इसको अच्छे से देखें, एंड तक देखें, और आगे हम अगली आपको PT 365 प्रोवाइड करेंगे। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।